तो ये एक ऐसा पोकेमॉन गेम है जिसके अंदर तुम किसी भी दो पोकेमॉन को मिला के एक न्यू फ्यूजन पोकेमॉन खुद क्रिएट कर सकते हो। एंड इसमें उनके बॉडीज भी नहीं, उनके टाइप्स, उनके मूव्स, उनके नेचर सब कुछ तुम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक न्यू पोकेमॉन को क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ ही में इस गेम के अंदर एक्स्ट्रा बहुत ही ज्यादा स्टोरी लाइन है एंड एक फैन मेड गेम है, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ही गाइस, मैं हूं एलेक्स, वेलकम बैक ऑन पोके टेबल 5 एंड आज हम खेलने वाले पोकेमॉन इनफाइनाइट फ्यूजन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गेम की शुरुआत में हमें एक न्यू आइटम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है डीएनएस पीसर्स एंड उससे तुम किसी भी दो पोकेमॉन को एक साथ फ्यूजन कर सकते हो एंड उनका एक न्यू पोकेमॉन क्रिएट कर सकते हो। तो या उसके बाद हमारी पोकेमॉन गेम पोकेमॉन द इनफाइनाइट फ्यूजन शुरू हो जाती है। एंड पहले एक पिजॉट मेरे घर पर कुछ लेटर डिलीवर करके जाता है एंड फिर मैं जब उस लेटर को देखने जा ही रहा होता कि पता चलता है मॉम वो लेटर ऑलरेडी ले चुकी है एंड उस लेटर में लिखा हुआ था कि डियर एलेक्स, तुम रजिस्टर हो चुके हो पोकेमॉन लीग के लिए एंड अब तुम्हें ऑफिशियली पोकेमॉन ट्रेनर बन चुके हो। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। एंड फिर मॉम हमारे ओपोनेंट मतलब हमारे ड्राइवल का नाम हमसे पूछते हैं जो कि नेक्स्ट डोर पर रहता है एंड उसका नाम मुझे गैरी सही लगा था तो मैंने उसका नाम गैरी रख दिया। एंड आफ्टर डैट हम अपने बैंड से अपनी रनिंग शूज़ लेके निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी की ओर। तो फर्स्ट डे सुबह के 5 बजे रहते हैं एंड हमें बाहरी गैरी मिल चुका था एंड वो प्रोफेसर के लैब में जाके प्रोफेसर को वेट करने वाला था, पता नहीं क्यों बट गया। हम लोग निकल पड़े थे बाहर एंड उसी बीच हमें प्रोफेसर ओक मिले एंड वो हमें अपने पोकेमॉन लैब में लेके आके बोलते हैं इन तीनों में से एक पोकेमॉन को टेक कर लो। तो पहला था चार्मेंडर, दूसरा था स्क्वाटल एंड तीसरा था अपना प्यारा बल्बसॉर। तो उनमें से मेरे को चार्मेंडर पसंद है तो मैंने वो लिया एंड फिर गैरी ऑक चीटिंग करते हैं यहाँ पर, वो दोनों पोकेमॉन को एक साथ लेके दोनों को एक साथ फ्यूजन कर देता है। एंड आफ्टर डैट जाते जाते वो हमसे बैटल भी करना चाहता था, मतलब भाई दोनों फ्यूजन पोकेमॉन को मिला के एक साथ हमसे बैटल। बट एक्चुअली तुम्हें पता है मैं एक ट्रोन ट्रेनर हूँ, आई गेस हू, बट हाँ मैंने अपने पोकेमॉन चार्मेंडर से उसके स्क्वाटेसोर को बहुत ही गंदे तरीके से बीट कर डाला कुछ ही अटैक्स के अंदर एंड आफ्टर दैट फाइनली गैरी यहाँ से हार चुका था हमसे। तो अपनी फर्स्ट बैटल जीतने के बाद मैं मस्त से निकल रहा था बट उसी बीच मुझे 10 टाटा पोकेमॉन मिलता है एंड एक रेड जे भी मिलता है। तो इन दोनों पोकेमॉन को मैं फिलहाल कैच नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास पोकेबॉल नहीं है, तो मैं पोकेमार्ट चला जाता हूँ एंड उसी बीच मुझे प्रोफेसर का एक पार्सल मिलता है एंड साथ ही साथ प्रमोशन के लिए लोग गेनस पीसर्स को फ्री में बांटते थे वो भी हमें मिलता है। तो फिर मैं प्रोफेसर को उनका पार्सल देता हूँ एंड उनसे पोकेबॉल एंड अपना पोकेडेक्स ले लेता हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आ जाता हूँ इस सिटी के अंदर एंड मैं पोकेमार्ट से कुछ अपने आइटम्स लाइक गेनस पीसर्स ढेर साड़ी एंड कुछ पोकेबॉल्स कैच मतलब पोकेबॉल्स खरीद लेता पोकेमॉन को कैच करने के लिए एंड फिर यहाँ से हमें एक फ्री पोकेमॉन मिलता है जो कि ये वाला पोकेमॉन था। एंड मैं फिर सोचता हूँ चलो डीएनएस पीसर्स का यूज़ इस पे करते हैं एंड मैं चार्मेंडर इसको मिला के फ्यूज करने वाला होता हूँ कि मेरे सामने दो रूप आते हैं, इनमें से मैं एक में फ्यूज कर देता हूँ अपने चार्मेंडर को इस पोकेमॉन के साथ एंड अपना चार्मेंडर बनता है क्यू क्यू मैंडर, पता नहीं क्या था ये बट बन जाता है यार। एंड आफ्टर दैट मैं इनके टाइप्स एंड इनके नेचर्स के साथ साथ इनकी उन अटैक्स को भी मर्ज कर देता हूँ एंड फिर मैं यहाँ से कुछ और पोकेमॉन को कैच करने आता हूँ जहाँ पर मैंने कुछ रैट अटैक को कैच किया था एंड दो एक्चुअली मैंने रैट अटैक को कैच कर लिया था एंड आफ्टर दैट मैंने एक नीडोलैन एंड कुछ मंकी वनकी एंड स्पेरो को भी कैच कर लिया था ताकि वो लोग मेरे टीम में आ सके एंड मैं सबको एक साथ फ्यूज कर सकूँ। तो फिर मैंने डीएनएस पीसर्स का यूज़ किया एंड दो रैट अटैक को एक साथ फ्यूज कर दिया एंड एक्चुअली मैं इससे एक रैट अटैक किंग बन गया जो कि एक्चुअली में बहुत अजीब था। एंड फिर मैंने मंकी एंड स्पेरो को एक साथ किया जिससे बना एक अजीब गरीब पोकेमॉन बट ठीक ठाक था, इसके पंख थे। एंड फिर मैंने अपने गैरी के साथ सेकंड बैटल में आ गया एंड एक्चुअली मेरी टीम में अभी काफ़ी सारे पोकेमॉन थे तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। तो उसके पास मिला था नीडो जी जिसको मैंने बहुत इजीली डिफीट किया एंड उसका सेकंड पोकेमॉन को था सॉर को भी मैंने बहुत इजीली डिफीट किया एंड फिर मैं निकल पड़ा वेडन फॉरेस्ट की ओर। तो विलेडन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड उसके साथ साथ उसमें काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी थे तो मैंने उन सारे ट्रेनर्स को बीट करा बहुत इजी तरीके से एंड फिर उनको बीट करने के बाद मैं इस फॉरेस्ट से बाहर निकल गया क्योंकि बाहर एक न्यू सिटी हमारा वेट कर रही थी जिसका नाम है प्यूटर सिटी एंड उस सिटी के अंदर ऑफकोर्सली एक पोकेमॉन म्यूजियम था तो मैं उसको देखने निकल पड़ा। तो यहाँ पर एक एंशिएंट फ्यूजन पोकेमॉन था जो कि एयर टेक्टाइल एंड ड्रैगनाइट का फ्यूजन था जो कि देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था बट ठीक ही ठाक था। एंड आफ्टर इट मैं निकल पड़ा जिम लीडर ब्लॉक को चैलेंज करने बट उससे पहले मैंने अपने मन की एंड अपने स्पेयर को अलग अलग किया एंड फिर मैंने मन की एंड निडोडैन को एक साथ मिला के एक अनबीटेबल न्यू पोकेमॉन को क्रिएट कर दिया जिसके साथ मैं ब्रॉक के न्यू मतलब ब्रॉक के चमचों को हरा सकता हूँ ऑफकोर्सली। एंड मेरे इस पोकेमॉन का नाम था मैंड्रैन जो कि ऑफकोर्सली ओवर पावर था एंड इसने पलक झपकते ही ब्रॉक के दोनों मेंबर्स को धूल चटा दिया, लाइक देखो इस GOP को मैंने हराया एंड फिर इसका सैंड ड्यूड को भी मैंने बीट करा एंड फिर फाइनली मैं चला गया ब्रॉक के पास। तो ब्रॉक के पास भी ऑफकोर्सली दो पोकेमॉन थे एंड मेरे पास तो भाई मेरा प्यारा सा पोकेमॉन मैंड्रैन था जो कि ऑफकोर्सली ओवर पावर है। तो ब्रॉक के फर्स्ट पोकेमॉन जिसका नाम जे था
बहुत अजीब नाम से, तो मैंने उसको बहुत इजीली दो ही अटैक के अंदर हरा दिया। एंड आफ्टर डेट उसका सेकंड पोकेमॉन आया जो कि डिग्लेट एंड ऑनिक्स का कंबाइन था, तो मैंने इस पोकेमॉन को डबल किक पहले मारा, बट उसका अटैक पहले पड़ गया, स्पीड ज़्यादा था उसका इसलिए, बट फिर मैंने इसको दो शॉट दिया एंड आफ्टर डेट अपने और दो किक के अंदर वो फाइनली फिनिश आउट हो जाता है एंड फिर ब्लॉक हारता है। उसके बाद वो मेरे को जिम बैच तो देता ही है, साथ में एक वंडर ट्रेड टिकट भी देता है जिसके सहारे मैं पोकेमॉन सेंटर में जाके अपने पोकेमॉन को ट्रेड कर सकता हूँ विथ रैंडम ट्रेनर्स। तो मैं निकल पड़ा पोकेमॉन सेंटर में एंड यहाँ पर तुम अपने पोकेमॉन को ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने अपने स्पेरो को भेज दिया ट्रेडिंग के लिए एंड एक्चुअली में मेरे को बहुत ही अच्छा पोकेमॉन रिसीव नहीं हुआ, मेरे को रिसीव हुआ एक सरा हुआ अंडा। तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ सिटी से एंड मुझे बाहर कुछ ट्रेनर्स मिलता है जिनको मैं एक एक करके कूटता हूँ सारा गुस्सा निकालने के लिए। एंड फाइनली सबको कूटने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ एम्प्टी मून के केव के लिए। तो यहाँ पर हमें दिखता है नर्स जॉय बाहर है एंड कुछ टीम ने इन जियोडूट एंड बाकी सारे पोकेमॉन को बहुत ही परेशान किया एंड फिर फाइनली यहाँ पर ब्रॉक आता है जो कि बोलता है मैं इस जियोडूट को हील कर रहा हूँ, बट एलेक्स तुम अंदर जाके देख क्या कि मतलब कौन से खतरनाक टीम ने इन पोकेमॉन्स को इंजर्ड किया है एंड इनके साथ क्या क्या किया है। तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ इन्वेस्टिगेट करने अंदर कि क्या हुआ है एंड कुछ देर यहाँ पर सफ़र करने के बाद फाइनली हमें दिख जाता है यहाँ पर टीम रॉकेट जो कि बात कर रही थी कि उनका जो बॉस है वो एक नया मिशन पे एंड वो कंप्लीट होने वाला है उनका एंड इन्होंने कुछ ट्रेनर भी सामने बिठा के रखा है ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना कर सके। तो फिर मैं ये सारे कैंडीज वैंडीज उठाता हूँ एंड कुछ पोकेमॉन्स को भी कैच कर लेता हूँ यहाँ से जिनको मैं फ्यूजन करके एक न्यू पोकेमॉन क्रिएट करता हूँ जो कि थोड़ा थोड़ा अच्छा दिख रहा था एक्चुअली। एंड फिर फाइनली मैं ब्लॉक को आकर सब कुछ बताता हूँ एंड वो पत्थर है इसलिए मैं सामने नहीं जा सकता, इसलिए ब्लॉक मुझे रॉक स्मैश देता है जिनके सहारे मैं इन पत्थरों को तोड़ के निकल पड़ता हूँ आगे उन खतरनाक टीम रॉकेट को बीट करने। बट उसी रास्ते में कुछ ट्रेनर्स मिलते हैं जो कि पता नहीं क्या कर रहे थे, फिर फाइनली मेरा प्यूकमेंडर इवॉल्व हो जाता है प्यूमेलियन के अंदर, प्यूकमेलियन हाँ। एंड फिर मैं बाकी सारे टीम रॉकेट के मेंबर्स को बीट करके सबको हरा के यहाँ से पहुंच जाता हूँ मेन वेस में। तो यहाँ पर मुझे टीम रॉकेट के एक बहुत ही बुरे प्लान के बारे में पता चलता है कि ये लोग तीन पोकेमॉन को एक साथ मिला के फ्यूजन करना चाहते हैं एंड उसके लिए उनके मशीन को जो पावर सप्लाई चाहिए उनके लिए ये लोग मून स्टोन का यूज कर रहे हैं। एंड फिर ये लोग एक साइंटिस्ट को मैनिपुलेट करके हमारे पीछे लगा देते हैं ताकि हमसे बैटल करे एंड ये था वही लौंडा जो फॉसल कलेक्ट करता है असल में। तो इसका कोई दोष नहीं इसमें, मतलब टीम रॉकेट ने फंसा के इसको मेरे साथ बैटल में करवा दिया एंड आफ्टर मैं इसको हराता हूँ एंड इन टीम रॉकेट वाले लॉन्डे इस मशीन को चालू कर लेते हैं जिसके बाद कुछ होता नहीं, इनका मशीन ही ब्लास्ट हो जाता है एंड ये लोग फिर यहाँ से निकल लेते हैं बिकॉज इनका कोई काम धाम नहीं था। तो मूनस्टोन को सबको लेते हैं यहाँ से एंड ये लोग सड़क लेते हैं एंड फिर ये लॉन्डा बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई गलती नहीं था, तुम एक फोसल ले सकते हो, मैंने कुछ फोसल कलेक्ट किया है तो मैं इसमें से एक फोसल ले लेता हूँ इसका जो इसने कलेक्ट किया है एंड मुझे डेमो फोसल ज़्यादा पसंद है तो मैंने वही लिया। एंड आफ्टर मैं निकल पड़ा इस केव से बाहर। तो फाइनली हम लोग आ चुके थे रोड 4 में एंड हम लोग फाइनली एंट्री भी मार चुके थे अपने प्यारे सेलेरियन सिटी के अंदर। तो इस सिटी में हमारा सबसे पहला काम होता है नर्स जॉय से हील करवाना एंड आफ्टर डेट हम आपके इस लॉन्डिया से एक्सपी शेयर लेते हैं जो कि सिर्फ एक ही पोकेमॉन को एक्सपी दे सकता है, पूरे टीम को नहीं। एंड आफ्टर डेट प्रोफेसर ओको रोड 24 में कुछ काम था तो उसने हमें वहाँ पर बुलाया था एंड फिर मैं कुछ वंडर ट्रेड टिकट खरीदता हूँ इससे एंड अपने एक पोकेमॉन जियोडूट को ट्रेडिंग में लगा देता हूँ एंड फिर मुझे मिलता है फाइनली ये लव, इसका नाम लव था बट पता नहीं ये पोकेमॉन अजीब था। एंड फिर फाइनली मैं चला जाता हूँ अपने गैरी राइवल से तीसरी बैटल के लिए। तो इसके पास इस बार नीटो टोट था जो कि ऑफकोर्सली कुछ अजीब दिख रहा था एंड पावरफुल दिख रहा था, बट मैंने जैसे तैसे इसको बीट करा एंड इसको बीट करने के बाद फाइनली इसका सेकेंड पोकेमॉन आया जो कि मैन टाटा था जो कि राटाटा एंड एक मंकी का फ्यूजन था एंड फिर उसका आया स्क्वाइटा सॉर जो कि अभी उसका सेकेंड फॉर्म में इवॉल्व हो चुका था। तो मैंने भी इस पोकेमॉन को जैसे जैसे लोक कर दिया एंड बीट कर दिया एंड आफ्टर दैट इसका लास्ट पोकेमॉन को भी बीट करके मैंने हरा दिया यहाँ से गैरी को एंड उसी के बीच मेरा मैन रैन इवॉल्व हो गया अपने सेकेंड स्टेज में एंड फिर मैंने मूनस्टोन से इसको अपने थर्ड स्टेज में भी इवॉल्व करवा दिया ताकि ये और मस्त दिखे एंड उसके बाद ये घटिया हो गया पता नहीं क्यों। एंड फिर फाइनली मैं आ गया मिस्टी को बीट करने एंड उसके बाद मैंने मिस्टी के फर्स्ट ट्रेनर मतलब फर्स्ट चमचे को यहाँ से बहुत इजीली तरीके से बीट करा एंड फिर उसके सेकंड चमचे की ओर मैं निकल पड़ा एंड इसको भी मैंने बहुत इजीली बीट कर डाला एंड मैं आ गया मिस्टी को बीट करने। तो एक्चुअली मिस्टी और मेरी बैटल शुरू हो चुकी थी यहाँ पर एंड उसके पास सिर्फ दो ही पोकेमॉन थे एंड अपने पास भी सिर्फ दो ही पोकेमॉन थे तो उसके फर्स्ट पोकेमॉन को मैंने डबल किक से काफ़ी लो कर दिया था एंड फिर उसका एक नॉर्मल सा वाटर बर्स्ट चलता है बट अपन कन्फ्यूज हो जाता है एंड वो अपने आप को हील भी कर लेती है। बट फिर मैं उसको और तो पंच मतलब दो किक मारता हूँ एंड फिर तीसरा किक के अंदर से फिनिश आउट कर देता हूँ। एंड आफ्टर टैट उसका सेकंड पोकेमॉन यहाँ से आता है जो कि हाँ थोड़ा अजीब था बट ये मेरी मैन क्वीन को हरा देता है एंड फिर आता है मेरा
PQ Million, जो कि बहुत पावरफुल था स्पोकियन के अगेंस्ट। मैं पहले सेफ गार्ड यूज़ करता हूँ एंड फिर मैं अपने बाकी सारे अटैक इसके ऊपर यूज़ कर देता हूँ ताकि सेफ गार्ड से मेरी कम एच पी जाए एंड फिर फाइनली यहाँ से मैं मिस्ट्री को भी बहुत इसी तरीके से बीट कर डालता हूँ, जैसे तैसे तो कर ही डालता हूँ। तो मिस्ट्री हारने के बाद उससे जो मुझे वंडर ट्रेड टिकट्स मिले थे उन सब से मैंने अपने पोकेमॉन को ट्रेड किया एंड मुझे कुछ भद्दी पोकेमॉन्स मिल जाए थे। तो मैंने इस पोकेमॉन का डीएनए रिवर्स किया डीएनए रिवर्स नाम के आइटम से, जो कि तुम्हें इजी तरीके से पोके शॉप में मिल जाएगा एंड इससे ये वाला पोकेमॉन बना। तो मैंने इस ट्रट्टी पोकेमॉन को रख दिया टीम से बाहर एंड मैं निकल पड़ा 5 एलाइट गार्ड्स को हराने, जो कि टीम रॉकेट के मेंबर थे। एंड फिर सबको हराने के बाद फाइनली मैं टीम रॉकेट का मेन वाले मेंबर से नगेट लेता हूँ एंड उसका टीम रॉकेट ज्वाइन ना करने वाले मतलब ज्वाइन करने वाले रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके मैं उसके साथ बैटल शुरू करके उसके एकेंस को बहुत इजी तरीके से डिफीट करता हूँ एंड फिर उसके सेकंड पोकेमॉन को भी कॉफ बैट को भी बहुत इजीली डिफीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ से प्रोफेसर ओक की हेल्प करने आ जाता हूँ, जो कि उनकी एक असिस्टेंट यहाँ पर थी। एंड फिर मुझे यहाँ पर एक ऑडिश फाइंड करना था, सॉरी ऑडिश नहीं हावड़ा फाइंड करना था, तो मैं वो कैच करके इनको देता हूँ एंड आफ्टर दैट ये उसको देख के मुझे पोके रेडर देते हैं, जो कि बहुत काम का आइटम है एंड उससे मैं रेयर पोकेमॉन्स को पकड़ सकता हूँ एंड उनको कलेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, आफ्टर डेट में अपने आबरा एंड मंकी को एक साथ मिला के एक बहुत ही ओवर पावर पोकेमॉन बना देता हूँ, जो कि एक फाइटिंग एंड साइकिक टाइप है, मतलब जिसका कोई मतलब डिसवांटेज है ही नहीं। तो वो बहुत ओवर पावर पोकेमॉन बन चुका था, बस फेरी टाइप इसको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती है बट बाकी सारे टाइप बहुत ओपी है इसके अगेंस्ट। एंड फिर मैं अपने दोनों और दो पोकेमॉन को मिला देता हूँ एंड आफ्टर डेट में निकल पड़ता हूँ बिल की खोज में। तो बिल की खोज में हमें काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी मिल जाते हैं, जिनको मैं एक एक करके सबको कूट डालता हूँ एंड सारे ट्रेनर्स को कूटने के बाद मेरे यहाँ से ऐप की इवॉल्व हो जाता है अपने सेकेंड स्टेज में। ऐब क्या था उसका नाम भूल गया मैं, अडाबरा या कुछ ऐसा ही था। एंड फिर फाइनली मैं बिल के पास आ जाता हूँ एंड बिल दो पोकेमॉन को एक साथ मिला के पोकेमॉन एंड ह्यूमन मतलब फ्यूजन हो जाता है। तो भाई इसका एक्सपेरिमेंट मुझे ठीक करना पड़ता है एंड फाइनली बिल इंसान होता है एंड मुझे देता है अपना एसएस टिकट। तो अपना काम खत्म, मैं निकल चुका था सेरेलियन सिटी से नेक्स्ट सिटी जाने के लिए। फिर मुझे याद है यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स हैं एंड मैंने इन सबको बीट करा एंड फिर मैं जा रहा था सैफ्रॉन सिटी में, बट यहाँ पर मुझे 1,00,000 रुपये मांग रहा था ये टीम रॉकेट का लोंडा एंड मेरे पास नहीं था। तो मैं निकल पड़ा दूसरे सिटी के लिए एंड यहाँ पर मैं आ चुका था फाइनली रोड 6 के अंदर एंड कुछ ट्रेनर्स भी यहाँ पर थे जिनको मैंने बहुत इजीली कूटा एंड सारे ट्रेनर्स को कूटने के बाद मेरा ये पोकेमॉन ऑड कॉइन फाइनली अपने सेकेंड स्टेज ग्लूम कॉइन में इवॉल्व हो गया एंड फिर मैंने डीएनए रिवर्स इसको कुछ ऐसा बनाया। भाई जब फिर जो भी मैं विलमेन सिटी में आ गया एंड इस सिटी में एक होटल था जिसके अंदर मुझे एक अंकल मिले एंड उन्होंने मुझे फ्लैश दिया, जो कि अच्छा ही आइटम था एक्चुअली। एंड फिर मैं चला गया फाइनली अपने मेन जगह SSN के शिप में एंड यहाँ पर मुझे रूम 2 दिया गया, मतलब अपने घर था रूम था मतलब एंड जिसके अंदर मैं कभी भी आके रेस्ट कर सकता हूँ एंड मैं पोकेमॉन को हील कर सकता हूँ, जो कि बहुत ऑसम बात लगी मुझे इस गेम की। एंड फिर मैंने यहाँ के जितने भी बंदे हो सके मैं जितने को बीट कर सकता था मेरी हिम्मत में था मैंने सबको यहाँ से बीट करा एंड फिर मुझे यहाँ पर दिखा गाना बजाओ गाते जाओ, मतलब एक इवेंट जो कि बहुत मस्त चल रहा था इस चिप में। एंड उसके बाद मैं कैप्टन की रूम की तरफ बढ़ रहा था कि मुझे पता चला कि यहाँ पर जाने के लिए की चाहिए एंड फिर मैं की ढूंढने बाहर आ गया एंड यहाँ से कुछ बंदों को मैंने हरा के फाइनली की ढूंढना एंड मैं चला पड़ा कैप्टन के रूम की ओर। बट उसी बीच मुझे मिल गया अपना राइवल गैरी, जो कि मुझसे बैटल करने आया था। तो मैंने इसके पोकेमॉन्स को बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज मेरे पोकेमॉन अभी जो कैडागरी था वो ओवर पावर ही था लगभग, तो वो किसी भी पोकेमॉन को बहुत ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका लास्ट पोकेमॉन भी भाई चार बुरा था, जो कि इतना पावरफुल नहीं था। तो मैंने सबको बीट करा एंड फाइनली मैं चला गया कैप्टन के रूम की ओर एंड मैंने कैप्टन से ले लिया उनका सीक्रेट आइटम कट, जो कि मुझे मिल चुका था एंड इससे फाइनली मैं अभी ट्री को कट करके जिम में जा सकता था। तो मैं निकल पड़ा जिम की ओर एंड जिम में काफ़ी सारे ट्रेनर्स थे, तो मैंने सबको यहाँ से एक एक करके बीट करा एंड सबको यहाँ से बीट करने के बाद मैंने यहाँ पर और एक अनबीटेबल पोकेमॉन बनाने के बारे में सोचा। तो मैंने इस बार नीडोरैन ग्लूम को अलग किया एंड पीक मैंडेल को भी अलग कर दिया एंड मैंने 4 मिलियन एंड साथ ही साथ अपने इस नीडोक्वीन को मिला के बना दिया 4 क्वीन, मतलब हाँ थोड़ा अजीब लग रहा है बट हाँ। एंड फिर मैंने इस दोनों पोकेमॉन को मिला के लगभग डार्क राज जैसा कोई चीज़ क्रिएचर बना दिया था, जो कि बिल्कुल डार्क राज जैसा लग रहा था। एंड फिर फाइनली मैंने यहाँ पर सीक्रेट डोर खोला एंड मैं निकल पड़ा जिम लीडर को बीट करने। तो अफकोर्स जिम लीडर के पास 2-3 खतरनाक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन थे बट मेरा कड़ाके भाई ओवर पावर्ड है यार, उसके फर्स्ट पोकेमॉन को मैंने कड़ाके ने जैसे तैसे बीट करना चाहा बट नहीं हो पाया यार, पैरालाइज हो गया। बट जिससे हमने उसको बीट कर डाला एंड सेकंड पोकेमॉन उसका आके कड़ाके को कूट डालता है। तो अभी फाइनल हो चुका था हमारा सेकंड पोकेमॉन का टाइम एंड इस पोकेमॉन का नाम है क्यू कूम, बहुत ही अजीब नाम है बट जो भी हो ये पोकेमॉन ओवर पावर्ड नहीं था बट हाँ एक्चुअली इसके स्लीप पाउडर एंड उसका जो उसका नाम क्या था
मेगा रेन इसे काफी अच्छी तरीके से सेकंड पोकन को बिहार देता है एंड फिर इसका थर्ड पोकन आता है जिसके अगेंस्ट में भेजता हूँ चार कून को जो कि काफी अच्छा बैटल दे रहा था उस पोकेमोन को। बट एक चीज की दिक्कत थी, हमारे पोकन को पैरालाइज लग चुका था एंड ओपोनेंट का पोकेमोन भी काफी ताकतवर था, बट एंड ऑफ द टाइम मैंने इसको हरा दिया एंड फाइनली मैंने अपने थर्ड जिम लीडर को भी बीट कर डाला था। तो फिर मैं निकल पड़ा इस साइड में कुछ पोकेमोन्स को देखने एंड कुछ को कैच भी करने, बिकॉज मुझे इनको ट्रेड करना था जो कि मुझे ट्रेड कार्ड मिले थे। तो मैंने इनको ट्रेड करना शुरू कर दिया एंड मुझे सबसे पहले ये पोकेमोन मिला जो कि अच्छा था, बट मैंने इसको अपने टीम में नहीं रखा बिकॉज ये फायर टाइप का था। एंड फिर मुझे दूसरा पोकेमोन मिला कुछ ये जो कि मुझे बहुत असम लगा, ये ने फ्लैशलिंग एंड फ्लैफी का कंबाइन था, तो मैंने इसको अपने टीम में रख लिया। एंड फिर यहाँ से मैं अपना बाइक बाउचर लेता हूँ एंड निकल पड़ता हूँ अपने बाइक को रिडीम करने। तो फाइनली मुझे अपना बाइक मिल जाता है एंड बाइक साइकिल मिलने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ इस सिटी से भी अपने रोड 9 की सफर की ओर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेनर्स थे जिनको मैं एक साथ इजी तरीके से बीट कर डालता हूँ, जिनके पास अलग अलग फ्यूजन पोकेमॉन होते हैं बट अपने पोकेमॉन भी ओवर पावर थे तो सबको मैं बीट करता हूँ। एंड उसके बाद फाइनली मेरा फ्लैफी इवॉल्व हो जाता है अपने सेकंड इवोल्यूशन में, मतलब इसका नाम फैन था। एंड फिर कुछ और पोकेमॉन को मारने के बाद मेरा कड़ाके भी इवॉल्व हो जाता है अपने और एक फॉर्म में। तो फिर भाई मैं डीएनए रिवर्स से इस कड़ाके को थोड़ा कुछ और एक रिवर्स आइटम करवाता हूँ एंड अब हम इसको कडाबरा के बॉडी के अंदर अपना प्राइम एप को डाल रहे थे तो कुछ ऐसा आ गया। एंड फिर फाइनली मुझे यहाँ पर लगा कि मैं नीचे जाके लेजेंडरी पोकेमोन ज़ैपडोस को कैच कर सकता हूँ बिकॉज ये खुला हुआ था पावर प्लांट। तो फिर मैं निकल पड़ा लेजेंडरी पोकेमोन ज़ैपडोस को कैच करने, बट यहाँ पर की नहीं था तो ये ओपन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ते हैं, हम लोग जाते हैं रॉक टनल की ओर। एंड यहाँ पर डार्कनेस को मैंने हटाया थोड़ा फ्लैश करके एंड भाई पूरा फ्लैश नहीं हुआ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि एक पोकेमोन थोड़ा जगह ही लाइट कर सकता है, ये काफ़ी लॉजिकल वाली चीज़ यहाँ पर लगाई गई है। एंड फिर मैंने सारे इस चैनल की पोकेमोन को बीट करा एंड अपने फैन को अपने थर्ड स्टेज में इवॉल्व करवा दिया जो कि थोड़ा अच्छा दिख रहा था। एंड आफ्टर इट मैं निकल पड़ा और एक पोकेमोन सिटी की ओर एंड ये था अपना लेवेंडर टाउन एंड इस टाउन के अंदर था अपना प्यारा सा घोस्ट टावर जिसके अंदर जाने के बाद हमें गैरी मिलता है जो कि एक्चुअली हमसे बैटल करने वाला था। तो ये हम दोनों का हो चुका था आई थिंक फोर्थ बैटल। तो भाई इस लॉन्डी के पास तो खतरनाक पोकेमोन्स थे बट मेरे पोकेमोन्स भी भाई इसके अगेंस्ट बहुत ही ओवर पावर थे तो मैंने इसको बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला। एंड फाइनली इसके सारे पोकेमोन को बीट करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर टीम रॉकेट मिस्टर फोजी को मास्टर बॉल बनाने की टिप ढूंढ रही है एंड इसलिए मतलब ये इनको किडनैप करके ऊपर ले चुकी है, मतलब ले जा चुकी है। एंड अब हमको सोफिस्कोप चाहिए इसको को शेल्फ स्कोप सॉरी चाहिए इन लोगों को रोकने के लिए बिकॉज हम ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर काफ़ी सारे घोस्ट पोकेमोन घूम रहे हैं एंड वो ने मतलब उन्होंने अगर हमको पकड़ लिया ना भाई तो अपन गए उधर से ही, ठीक है। तो मैं खुद ही निकल गया एंड मैं निकल पड़ा सेकंड सिटी के लिए जहाँ पर मुझे कुछ और ट्रेनर्स मिले जिनको मैंने बीट करा एंड उनके बीट करने के टाइम में अपन का फैन और एक स्टेज में इन्वॉल्व हो गया जो कि बिल्कुल ऑसम था। एंड फाइनली अभी टैलन फ्लेम एंड एम्फेरोस का फाइनल स्टेज था। तो फिर मैं इस सिटी में आ गया, इस सिटी में आने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले जिम लीडर को हराते हैं बट उसी बीच हमें इरिका यहाँ पर खड़ी दिखती है जो कि बताती है कि टीम रॉकेट यहाँ पर कुछ लफड़ा कर रही है। एंड फिर हम लोग अंदर चले जाते हैं टीम रॉकेट को ढूंढने एंड यहाँ पर पता चलता है कि टनल के अंदर टीम रॉकेट कुछ सीक्रेट बेस बना के बैठी हुई है एंड फिर मैं और इरिका निकल पड़ते हैं टीम रॉकेट के बंदों को कूटने। तो यहाँ पर हम लोगों की बैटल शुरू होती है एंड हम दोनों बहुत ईजी तरीके से काफ़ी टीम रॉकेट के बंदों को कूटना शुरू करते हैं एंड काफ़ी लोगों को कूटने के बाद हमें यहाँ पर एक सीक्रेट जगह मिलती है जिसके अंदर एक बटन होता है, इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर पानी से फ्लड आ जाता है, लिटरली बहुत मस्त है। ये कुछ बंदे तो तैर रहे थे इस पानी में। तो फिर फाइनली मैं टीम रॉकेट के फाइनल मेंबर्स को बीट करके हम लोग चले आते हैं दो डोर के अंदर एंड इनमें से एक डोर को हमें सेलेक्ट करना था एंड दूसरे डोर में इरिका जाएगी। तो मैंने इस डोर को सिलेक्ट कर लिया एंड फिर दूसरे डोर में इरिका निकल पड़ी एंड यहाँ पर कुछ पजल चढ़के हुए थे एंड कुछ टीम रॉकेट के मेंबर भी थे एंड हमें इन पजल को सॉल्व करने के लिए इनको बीट करना ही पड़ेगा। तो मैंने सारे टीम रॉकेट के मेंबर को बीट करा जो कि हमारे आगे आ रहे थे एंड फिर मैंने रेयर कैंडी से अपने चार कून को अपने मैक्स फॉर्म में ले दिया जो कि था एक्चुअली चार कून ही बिकॉज वो चाइजार्ड का फॉर्म था। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, कुछ अजीब है। तो फिर मैंने डीएनए रिवर्स से इसको रिवर्स करा एंड ये कुछ अब थोड़ा अच्छा दिख रहा था पहले वाले से। तो फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका था एंड मैं निकल पड़ा था अपने जियोवानी मतलब ओपोनेंट जियोवानी को हराने, बट मुझे पता चला जियोवानी ऑलरेडी इरिका को बीट कर चुका है एंड फिर ये अब हमसे बीट करने आए मतलब हमको बीट करने आए। तो मैंने इससे बैटल शुरू कर दी एंड इसका पहला पोकेमोन था अर्निक्स। तो मैंने अभी अपने ड्रैगन ब्रीथ के साथ इसको इजीली तरीके से बीट कर दिया मतलब ड्रैगन रेंज के साथ एंड फिर उसका नेक्स्ट पोकेमोन आया कहान खान हंटर एंड किंगस खान का कम्बाइन, बट मैंने इसको बहुत इजी तरीके से बीट करना चाहा बट मेरा वो पोकन पड़ गया एंड फिर मैंने इसको जैसे जैसे बीट करा एंड फिर उसका नेक्स्ट पोकन आया जिसको मैंने अपने क्रॉस चॉप से हरा दिया फाइनली एंड आफ्टर जियो मैंने हार चुका था। एंड फिर ये यहाँ से निकल गया एंड अपन लोगों को यहाँ से मिला फाइनली अपना चिल्प स्कोप एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर बुक पढ़ते हैं। फिर मुझे पता चला कि इनको जो अब
तीन पोकन फ्यूजन करना है ना, तो ये लोग सोचे लेजेंडरी बर्ड की पावर सही रहेगी बिकॉज बाकी सारे नॉर्मल पोकन उस पावर को अपने अंदर ले नहीं पा रहे। तो इन्होंने सोचा कि तीन लेजेंडरी बर्ड जो कांटो के, अगर उनको उन्होंने कैच कर लिया तो अब वो उनसे फ्यूजन करा सकते हैं एंड न्यू थ्री पोकन फ्यूजन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उनका बुरा इरादा हमें पता चल गया था एंड फिर जो भी हम निकल पड़े टीम रॉकेट नहीं सॉरी अपने जिम लीडर को हराने, जो कि थी अपने ईडी का, तो यहाँ पर उसके सारे चमचों को मैंने बीट कर दिया। एंड पता नहीं ये लोग सिर्फ वेल स्पोर्ट क्यों कर रहे थे, बट मैंने सबको यहाँ से बीट करा एंड आफ्टर दैट मैं चला गया फाइनली ईरिका को बीट करने के लिए, जो कि यहाँ पर बैठी या खड़ी पता नहीं क्या कर रही थी। एंड फिर इससे मेरी बैटल शुरू हो जाती है एंड शी हैव सम गुड पोकेमॉन, मतलब एग्जैक्टली डोडो, हाँ कुछ अजीब पोकेमॉन था जिसने ई की शॉट के अंदर मेरे ही पोकेमॉन को बीट कर डाला। एंड फिर मेरा फैन आके इसको उसकी औकात जैसे तैसे दिखाता है, मतलब पता है इस गेम के अंदर ज़्यादातर ओपोनेंट तुम्हारा पोजिशन सुपर पोजिशन हाइपर पोजिशन यूज़ करते ही रहता है जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। एंड फिर उसका आता है आर्टाना नेप जिसको मैं इजीली हरा डालता हूँ एंड फिर उसका लास्ट पोकन आता है जो कि ये वाला था एंड इसको मैंने थोड़ा सीरियसली लिया, तो मैंने इसको अपने फ्लेम ब्रश से बहुत ईजी तरीके से एक शॉट पीटा एंड फिर अपने दूसरे शॉट के अंदर इसको बहुत ईजी तरीके से बीट कर डाला विद क्रिटिकल हिट। एंड फाइनली इसका ये पोकन पिट चुका था, एरिका हार चुकी थी एंड फिर मैं निकल पड़ा अपने लेवेंडर टाउन के सफर के लिए बिकॉज यहाँ पर हमको मिस्टर फोजी को बचाना था। एंड फिर इसी बीच मैंने इस पोकेमॉन को रिवर्स करके टैलन फ्लेम वाली फॉर्म ला दी इसकी एंड आफ्टर दैट फाइनली हम लोग निकल पड़े यहाँ पर उसको हराने, टीम रॉकेट को हराने बिकॉज हम लोग को अभी उसको बचाना था मिस्टर फोजी को। बट यहाँ पर अचानक हमें दिखता है कि कुछ आंटी या मतलब दादी में प्रोजेस है यहाँ पर बिकॉज कोच ने उनको पजेस कर दिया था, तो हम लोगों ने उनको सोल्व कराया एंड देखो फिर उनका कलर नॉर्मल हो गया एंड मुझे पता चला कि कोच ने सबको पजेस करके रखा है। तो मैंने हर एक बंदे को यहाँ से बचाया जो कि पजेस थे एंड कुछ ने लोगों को तो भाई पता ही नहीं था कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे, मतलब उनको मैंने देखो यहाँ पर इसको इतना खतरनाक पजेस किया था, मैंने इसको हराया एंड इसको पता ही नहीं था कि ये यहाँ पर कर क्या रही है, मतलब या इसको याद भी नहीं है कुछ। फिर मैंने सब लोग यहाँ से बचाया जो कि पजल्स थे एंड सबको फाइनली यहाँ पर बचाने के बाद हम लोग निकल पे रियल घोस्ट को ढूंढने एंड फिर हमें मिला रियल घोस्ट जो कि हमारे पीछे से अचानक से आया एंड फिर इससे हमारी बैटल शुरू हो गई। तो रियल घोस्ट था मेरावैक एंड अपना कैंगार का फ्यूजन जो कि गैन वार था, मतलब गैन वैक। तो ये पोकन ताकतवर तो था बट हमारे सामने ऐसा था नल्लू था, तो हमने इसको जैसे जैसे हराया एंड फिर मैं चला गया मिस्टर फोजी को डिफेंड करने एंड घोस्ट भी निकल चुका था अपने रास्ते में एंड मिस्टर फोजी खुश होकर हमें देते हैं पोके फ्लड जिससे मैं आ जाता हूँ नीचे की साइड में स्नोलेक्स को उठा दिए। बट उस रास्ते में हमें कुछ बंदे ना मिले थे तो हो नहीं सकता, तो मैं सबको हरा के स्नोलेक्स को उठाने आता हूँ बट उसी रास्ते में पता नहीं मैं इनविजिबल क्यों हो जाता हूँ, मतलब बिल्कुल गायब सा। एंड फिर फाइनली जैसे जैसे स्नोलेक्स उठता है हमसे बैटल शुरू करता है एंड फिर मैं सोच रहा इसको कैच करूँ कि ना करूँ एंड इसको मैं जान देता हूँ एंड फिर पता चलता है मैं पूरा गायब हो चुका हूँ जिंदगी भर के लिए एंड मैं बन चुका हूँ मिस्टर इंडिया, लाइक जो मेरे को कोई नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकता अपने आप को, मतलब बिल्कुल गायब। एंड फिर जैसे तैसे मैं अपने आप को ठीक करके निकल पड़ता हूँ इस नॉलेज से उठाने, तो इस नॉलेज से मैं उठाता हूँ जैसे तैसे एंड इसको अपने पोकी बॉल में मतलब कैच करने की ट्राई करता हूँ, फिर नहीं आता तो मैं बोलता हूँ निकल साले। एंड फिर फाइनली मैं अपने पोकी उनको ट्रेड करने आ जाता हूँ एंड मैं अपने पी क्यू मैंडेट जो भी है इसको ट्रेड करके गियर लेता हूँ जो कि सबरीना का पोकी था एक्चुअली। तुम देख सकते हो सबरीना ने पता नहीं इसको क्या कर दिया है, देखो इसका जो मास्टर है वो सबरीना है, ओटी सबरीना, मतलब हाँ ये सबरीना का पोकी था। तो मैं फिर वापस से इसको ट्रेड करता हूँ, मुझे मिलता है चार्ली जो कि एक्चुअली में बहुत ही ऑसम पोकी दिख रहा था डार्क एंड घोस्ट टाइप का, तो मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने इसको अपने साथ रख दिया एंड मैं निकल पड़ा आगे की ट्रेनर्स को बीट करने। तो फिर मैंने साइड ट्रेनर्स को बीट करा एंड फिर मैं पहुंच गया फाइनली जैसे जैसे कोगा के सिटी के अंदर, बिकॉज मेरे पोकेमॉन की एचपी काफ़ी कम थी तो मैंने कुछ लोगों को इग्नोर भी कर दिया था एंड फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने पोकेमॉन सेंटर में जाकर अपनी पोकेमॉन्स की इलाज करवा दी एंड फिर मैं निकल पड़ा बाकी सारे ट्रेनर्स को बीट करने जिनको मैंने पीछे छोड़ दिया था ताकि हमको लेवल की कोई कमी ना हो। एंड फिर यहाँ से सबको बीट करने के बाद फाइनली मैं निकल पड़ता हूँ सफारी जोन के अंदर ताकि मैं कुछ ऑसम पोकेमॉन्स को कैच कर सकूँ एंड मैं उनका फ्यूज कर सकूँ। तो यहाँ पर 30 सफारी बोल लेने के बाद मैं चेक करता हूँ यहाँ पर कौन से पोकेमॉन थे एंड लेटर जो पोकन यहाँ पर दिख रहा है उनसे भी ज़्यादा पोकन यहाँ पर थी, तो मैंने इनको सबको ज़्यादातर को कैच किया एंड जिनको कैच कर सकता था मैंने किया एंड फिर मैं यहाँ पर सीक्रेट घर में आके इनसे ले लेता हूँ अपने प्यारा आइटम सर्फ जो कि एक्चुअली में काफ़ी काम का है एंड फिर मैं दो पोकन को फ्यूज करता हूँ। इसका टट्टी फेस देख के मेरा पूरा मूड बिगड़ जाता है, तो मैं फिर निकल पड़ता हूँ कोगा को हराने एंड फिर उसके रास्ते में काफ़ी सारे उसके चमचे आ रहे थे, मैं सारे चमचों को एक एक करके बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला बिकॉज मैं पता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ तो ज़्यादा मुझे हिट नहीं लगे, मैंने इनको एक दो हिट के साथ ही बीट कर डाला बिकॉज मेरे पास कड़ा के फैन जैसे ताकत में पूकी मनते, तो मैंने सबको बीट कर डाला एक्चुअली। एंड फिर फाइनली मैं आ गया इन लोगों के साथ, मतलब इन लोगों के लीडर के पास जो कि कोगा था एंड अब फाइनली कोगा का फर्स्ट पोकेमॉन रिलीज हो चुका था जो कि वेनमोट एंड ग्राइमर का कुछ मिक्सचर था, तो मैंने इसको हरा दिया एंड फिर अजीब वाला एक आग वाला पोकेमॉन आया जिसको मैंने बहुत इजीली हरा डाला, मतलब ये कॉफिंग लग रहा था यार कुछ, तो मैंने इसको हरा तो रहा था, हरा दिया मैंने इसे ठीक है। एंड फिर उसका थर्ड पोकेमॉन आया जो कि एकदम बीटल एंड
बीटल, हाँ वही वही था, एंड एक साइथर का कॉम्बिनेशन था। तो मैंने इसको बहुत इजी तरीके से फ्लाई अटैक से एक ही शॉट के अंदर यहाँ से बीट कर डाला। एंड आफ्टर डेट ये कोगा का लास्ट पोकन आया, जो कि एक अजीब गरीब पोकेमॉन था चैंसी एंड मक को मिला के, जो फेरी एंड पॉइजन टाइप था। बट मैंने इसको जैसे जैसे बीट करा एंड फाइनली कोगा हार चुका था, एंड उसी बीच मेरा चार्ली अपने फाइनल स्टेज में इवॉल्व हो गया, जो कि देखने में कुछ ज़्यादा ही ऑसम लग रहा था, मतलब एक नंबर चहल। एंड फिर फाइनली मैं निकल पड़ा इस साइड को देखने, बिकॉज मैं इस साइड से आया नहीं था। एंड इस साइड का भाई स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, एंड फिर मैंने आके सारे ट्रेनर्स को ऑलरेडी बीट कर रखा था। एंड फिर मैं कुछ और ट्रेनर्स को बीट करता हूँ जहाँ पर मुझे फायर फेस जैसा अजीब गरीब पोकेमॉन दिखता है, तो मैं सबको बीट करता हूँ। एंड फिर मैं अपने सारे वांटेड ट्रेड टिकट्स को यहाँ पर ट्रेड करने आ जाता हूँ। तो पहले मुझे भाई पैसे के बदले ये पोकन मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे मस्त लगा था, लाइक दिल सुकून सुकून से भर गया था यार ये पोकेमॉन को देख के, जो कि पिंक नाम था इसका, बट एक्चुअली ये था वेनू टोटल, जो कि बहुत ही मस्त था। तो मैंने इस पोकेमॉन को लिया एंड मैं निकल पड़ा भाई यहाँ पे एक्सपी शेयर को लेने, मतलब एक्सपी शेयर ऑल को लेने, जिससे मेरे पूरे टीम को एक्सपी शेयर मिले। एंड फिर मुझे पता चलता है मुझे 20 पोकेमॉन को फ्यूजन करना पड़ेगा एंड फिर मुझे ये आइटम मिलेगी। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने 20 पोकेमॉन को कैच करने एंड उनको फ्यूजन करने। तो मैं बहुत सारे पोकेमॉन को कैच करके उनको एक दूसरे के साथ मिला डालता हूँ एंड बहुत सारे न्यू फ्यूजन को क्रिएट करता हूँ, जो इसमें से काफ़ी सारे तो बहुत बेकार दिख रहे थे, बट हाँ कुछ फ्यूजन लिटरली सच में थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे थे एंड कुछ तो भाई सच में बहुत ही ज़्यादा ही ग्रेट लग रहे थे, मुझे पसंद आया ये वाला। एंड फिर फाइनली इससे मैंने एक्सपी शेयर ऑल कोर्स ले लिया एंड मेरे मतलब अब मेरे सारे पोकेमॉन को एक्सपी मिल सकता है। एंड फिर फाइनली मैं यहाँ पर आ गया सबीना वाले सिटी के लिए, बट यहाँ पर मुझे कुछ ट्रेनर्स रोक रहे थे, तो मतलब ट्रेनर्स और टीम रॉकेट के मेंबर। एंड इसको ऑलरेडी पता था कि मैं वही होंडा हूँ जिसने ऑलरेडी इनके टीम को पहले भी बीट कर चुका हूँ, तो मैं इसको इजीली हराता हूँ। एंड फिर फाइनली मेरा कड़ा एप अपने फाइनल स्टेज में इवॉल्व हो जाता है, जो कि देखने में भाई साहब एकदम ऑसम लग रहा था, मतलब हाँ इसका गर्दन मुंह में आ चुका है या मुंह गर्दन में जा चुका है, मुझे पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। बट फिर मुझे दिखता है यहाँ पर पूरे सिटी में टीम रॉकेट का कब्जा है, तो मैं निकल पड़ता हूँ टीम रॉकेट को बीट करने के लिए अपने टावर के अंदर, जो कि सेल्फ को था सेल्फ टावर मतलब जो भी है। एंड फिर मैं यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों को बीट करता हूँ इनके, एंड इन सबको यहाँ से बीट करने के बाद मैं यहाँ पर सीक्रेट के लेता हूँ कार्ड के, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कार्ड केस ओपन करके निकल पड़ता हूँ सीक्रेट फोर के अंदर। बट यहाँ पर पता चलता है कि एक साइंटिस्ट का 13 नंबर फर्स्ट गया यहाँ पर, एंड हमें उनको सर्वाइव करवाना है यहाँ से, एंड अगर ऐसा कर दिया तो एक्चुअली वो सब बच जाएंगे, वरना यहाँ पर फंसे रहेंगे। तो मैंने सब लोगों को यहाँ से बचाया एंड उसी बीच मेरा पिंक फाइनली अपने फाइनल स्टेज में विनर्स चॉइस में इवॉल्व हो गया, जो कि ऑसम था। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ से सारे लोगों को बचा लिया था, जो लोग यहाँ पर किडनैप थे या जो भी यहाँ पर थे इनका। एंड आफ्टर दैट फाइनली हम लोगों को टीम रॉकेट का इस अंकल से लैपलेस मिलता है। एंड आफ्टर दैट फाइनली यहाँ पर हम लोग आते हैं जियोवानी से बैटल करने, बट उसी बीच हमारा दोस्त गैरी आता है एंड वो हमारी मदद करने आया था, बट उससे पहले उसने हमसे बैटल शुरू कर दी, मतलब कुछ भी। तो मैंने इसके पोकेमॉन को बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला, बिकॉज मेरे पोकेमॉन पावरफुल थे, तो मैंने इसके पिजी नीडो ऑर्क को पहले शॉट में बीट नहीं कर पाया, बट दूसरे शॉट में मैंने इसको जैसे तैसे बीट कर डाला। बट देखो उसका पोकेमॉन मेरे को टाइप नहीं पता था, मुझे लगा था ग्राउंड टाइप, बट जैसे तैसे मैंने अपने ठंडेपन से उसके फर्स्ट पोकेमॉन को उड़ाया। एंड फिर उसके बाकी पोकेमॉन इतने पावरफुल नहीं थे, लाइक इसका टोरोस था जिसको मैंने एक शॉट तो किया था, बट फिर मैंने जैसे तैसे अपने चार्ली से उसको बीट कर डाला। एंड फिर उसके बाकी सारे पोकेमॉन जो आए वो भी पावरफुल ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने उनको भी बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला। एंड मेरा विनर चॉइस उसमें बताइए उसकी पावर भाई एक शॉट के अंदर दूसरे पोकेमॉन खत्म। एंड फिर मैंने उसके सारे टीम को बीट करा एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा फाइनली जियोवानी के लिए, एंड मेरा हेल्प गैरी भी कर रहा था। तो जियोवानी यहाँ से कुछ मास्टर बॉल निकालने की ट्राई कर रहा था, बट उन्होंने 3 मास्टर बॉल निकाल लिए थे एंड फिर ये बोल रहे कि बाकी मास्टर बॉल क्यों नहीं निकले, जल्दी बताओ। तो फिर क्या था यार, हम लोग निकल गए इसका मास्टर बॉल निकालने, बिकॉज उसको 3 मास्टर बॉल ऑलरेडी मिल चुका था जियोवानी को, तो वो अब और ज़्यादा मास्टर बॉल चाहता था, बट उसको नहीं मिला। अच्छा वो मशीन बंद हो गया। एंड फिर फाइनली ये मुझसे बैटल करने आ जाता है, बट बैटल में मेरा दोस्त कैरी भी मेरी हेल्प कर रहा था, तो हमने उसको बहुत इजीली उसके फर्स्ट पोकेमॉन को बीट करा। एंड फिर उसका सेकंड पोकेमॉन आता है, जो कि एक्चुअली में कैन खान था, जो कि कैंगार एंड कंगस खान का कंबाइन, जो कि बहुत ही ओवर पावर्ड था। एंड एक्चुअली उसने मेरे एक पोकेमॉन को बीट कर डाला। एंड फिर मैंने अपने पिंक को बुलाया एंड पिंक भाई साहब अपने आप में खतरनाक पोकेमॉन था, जिसने अपने खतरनाक बैटल डांस से एक पोकेमॉन को उठा डाला। एंड फिर उसका नेक्स्ट पोकेमॉन आया एंड उसके गैंग खान ने अपने आप को मतलब अपने को थोड़ा डैमेज दे दिया था। एंड फिर अपन लोगों ने उसके पोकेमॉन को डैमेज करने की काफ़ी ट्राई की, बट इट्स नॉट वेरी अफेक्टेड, मतलब इतना ज़्यादा डैमेज दिया जितना मुझे चाहिए था।
बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था इससे। तो फिर मैंने सोचा भाई इसको जैसे जैसे हराना ही पड़ेगा, बट मेरा पिंक यहाँ से पिट गया था। एंड पता नहीं इसके नीचे रोड को कुछ क्यों नहीं कर रहा कोई, बट फिर मैं चार्ली आके उसके गैंग खान को हराता है एंड उसके दूसरे पोगन को बीट करके फाइनली जियोवानी को हम हरा देते हैं। एंड फिर जियोवानी बोलता है बच्चे मेरा मिशन बहुत बड़ा है एंड मुझे जितने पोकेबॉल चाहिए थे उतने मिल गए, अब मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड फिर फाइनली हम लोग क्या से सोचते हैं हमने सबको बचा लिया एंड ये भी चला था जिम को चैलेंज करने। एंड फिर ये अंकल हमें 3 पोकन ऑफर करते हैं तो मैं इनसे चिकोरिटा लेता हूँ मतलब जोटो स्टार्टर्स। एंड फिर मैं अपने नीडो जार्ड को अलग करता हूँ एंड चार्लीजार्ड एंड लैपलेस को एक साथ मिला देता हूँ जो हमको एक अजनबी से मिला था। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ से चिकोरिटा एंड नीडो रैन को मतलब नीडो क्वीन को मिलाते एक साथ एंड बनाते चिको क्वीन, अजीब पोकेमॉन बना। एंड फिर मैं चला जाता हूँ सबरीना को बीट करने के लिए, बट उसी रास्ते में मैंने उसके चमचे को भी सोचा चलो गेहूं के साथ मतलब क्या था उसका डायलॉग मैं भूल गया जो भी है, बट हाँ मैंने सबको बीट करा। एंड आफ्टर दैट मैं चला गया सबरीना के पास एंड यहाँ पर सबरीना के साथ हमारी बैटल भी शुरू हो चुकी थी। तो सबरीना के पास अपने पहले 4 पोकेमॉन थे, तो उसका पहला पोकेमॉन था हिप्नो माइन जो कि हिप माइन नाम से था पता नहीं, तो मैंने इसको एक शॉट ली काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया था। एंड फिर मैंने इस पोकेमॉन को मैक्स पोजीशन यूज़ करते हुए देखा एंड आफ्टर मैंने 1 शॉट ली से बीट कर डाला। तो फिर इसका नेक्स्ट पोकेमॉन आया जो कि एस्पियोन एंड अम्ब्रियन का मिला हुआ था, मतलब एसरियन कुछ अलग ही नाम था इसका। तो मैंने इसको जैसे तैसे बीट करना चाहा एंड आफ्टर ऑल इसने अपना मैक्स पोजीशन कर लिया था तो मैंने सोचा पोकेमॉन बदलते हैं वरना तो मैं इसे हरा ही देता। यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग मैक्स पोजीशन सुपर पोजीशन हाइपर पोजीशन यूज़ करते ही रहते हैं, बट जैसे तैसे मैं अपने फैन से इस पोकेमॉन को बीट कर डालता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं अपना नेक्स्ट पोकेमॉन चार्ली को लाता हूँ एंड उसका एक खतरनाक पोकेमॉन आता है अलाब्रू, मतलब भाई इसका हाथ में जो गधा देख रहा हो ना बहुत ही खतरनाक है। तो मैं इसको जैसे जैसे हराता हूँ एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन आ जाता है जो कि एक गैंग कज़ाम था ऑसम पोकेमॉन। तो मैं इसको जैसे जैसे अपने अटैकों से हरा डालता हूँ 2 ही अटैक के अंदर एंड उसके बाद फाइनली सबरीना हार चुकी थी एंड हम लोग को न्यू जिम बैज मिल चुका था। तो फिर मैंने सोचा यहाँ का जो एक फाइटिंग मार्शल आर्ट सेंटर है उसके बंदों को भी बीट कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पर सबको बीट करता हूँ एंड उसी बीच में चीको क्वीन इवॉल्व हो जाता है उसके सेकेंड स्टेज के अंदर। एंड फिर मैं आके बाकी बंदों को भी बीट कर डालता हूँ एंड बाकी बंदों को बीट करने के बाद मेरा चीको क्वीन अपने फाइनल स्टेज में इवॉल्व हो जाता है जो कि था मेगा क्वीन जो कि सच में कुछ मौसम दिख रहा था। तो फाइनली आफ्टर एट में यहाँ से 3 पोकेमॉन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, हिटमॉनली, हिटमॉन टॉप एंड हिटमॉन चैन। देखो मुझे हिटमॉन चैन पसंद है तो मैंने चैन को ही लिया अपना चैन ठीक रखने के लिए। एंड फिर मैं निकल पड़ा अपने सर्व करने मतलब हाँ केप आइस केप की ओर, बट उसी रास्ते में मुझे मिल गया एक लड़का जिसको करना था हमसे रेस सर्फिंग का। तो मैंने दिखा दिया यार बाप बाप होता है, पहले तो ये मुझसे आगे निकल गया, फिर मैंने अपने स्किल से इसको जैसे तैसे भाई बीट कर डाला बिकॉज तुम्हें पता है मैं एक प्रो सर्फर हूँ, वैसे रियल लाइफ में तो आती भी नहीं है बट हाँ गेम के अंदर मैं काफ़ी अच्छे कर पाता हूँ। तो मैंने इसको जैसे जैसे बीट करा एंड इसको दिखा दिया कि मैं बहुत ऑसम हूँ एंड आफ्टर इससे मुझे मिलता है सर्फ बोर्ड जिससे कि मैं बिना सर्फ को यूज़ करे सर्फ कर सकता हूँ, मतलब हाँ बिना किसी पोकेमॉन का यूज़ करे सर्फ कर सकता हूँ। एंड फिर मैं आके कुछ ट्रेनर्स को बीट करता हूँ जो कि मेरे रास्ते पे आ देते हैं एंड सबको बीट करने के बाद मैं चला जाता हूँ आइस केव में एंड मुझे दिखता है कि यहाँ पर ऊपर की साइड हम नहीं जा सकते। तो फिर अब मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आता है एंड मैं निकल पड़ता हूँ बिल के घर के लिए बिकॉज यहाँ पर कुछ साइड टास्क बाकी रह गए थे। फिर मैं बिल के पास आता हूँ एंड उसको अब एक पोकेमॉन चाहिए था जिसका नाम है पायरोगॉन एंड वो मुझे उस वर्ल्ड में भेज सकता है जिस वर्ल्ड के अंदर पायरोगॉन है। मुझे भी ये सीन जो है एनीमे से डिलीट कर दिया गया था बट हाँ गेम में ये सीन ऐड किया है इस गेम में। तो मैं चला आता हूँ बिल के लिए पायरोगॉन को ढूंढने एंड इस वर्ल्ड में आने के बाद मुझे काफ़ी अजीब वाली फ्लैश लाइट दिख रहे थे बट एंड ऑफ द टाइम मुझे पायरोगॉन मिल जाता है एंड मैं जैसे तैसे इस पायरोगॉन को यहाँ से वहाँ कर करके रियल वर्ल्ड के अंदर धकेल देता हूँ एंड मैं भी आ जाता हूँ रियल वर्ल्ड के अंदर। एंड आफ्टर दैट पायरोगॉन को हमें सौंप देता है ये बिल, ठीक है। एंड बाय द वे फिर मैं निकल पड़ता हूँ न्यू सिटी के अंदर, मतलब एक वार या कुछ हुआ था जिससे एक न्यू सिटी डेवलप हो गई यहाँ पर जिसका नाम है अक्रिसमॉन सिटी एंड जो कि बिल्कुल कांट में है ही नहीं बट इस गेम के अंदर है जो कि फैन मेड सिटी है। और जब इस सिटी के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, एक लॉन्डिया थी जिसको हमसे बैटल करना था एंड उसके पास बहुत ताकतवर वेल्स प्रोट था तो मैंने सोचा चल भाई बैटल कर ही लेते इस लड़की से। एंड बाय द वे मुझे नहीं पता था कि इसका वेल्स प्रोट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर होगा तो फिर मैंने इससे बैटल शुरू की एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन तो ये था नॉर्मल जो कि कोका के पास भी था तो मैंने इस पोकेमॉन को बहुत इजीली बीट करा। एंड फिर इसका पोकेमॉन आता है वेल्स प्रोट जिसका लेवल था 77, मतलब इतना हाई लेवल का वेल्स प्रोट बट मैं इसे एक ही शॉट में बीट करता हूँ इसका एल लगाते हुए। एंड फिर भाई जब इस सिटी में कुछ था नहीं, मैंने इस सिटी के ऊपर चेकआउट किया एंड कुछ रॉक्स थे जिनको मैं ब्रोक करके ऊपर की साइड निकल पड़ा एंड एक केव था, मैंने सोचा इस केव के अंदर कुछ तो खास होगा बट इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल पोकेमॉन था।
तो देखो मोबाइल पोकेमॉन मुझे इतना पसंद नहीं, तो मैंने इसको पीटा एंड मैं निकल पड़ा अपने सफर में आगे। तो आइस केव में इस बार मुझे नीचे के साइड में रास्ता मिल चुका था एंड फिर मैंने यहाँ पर सफर करके एक चिम्बार आइलैंड के अंदर आ गया। तो इस आइलैंड के अंदर कुछ शिप थे एंड मैं शिप के अंदर भी जा सकता था एक्चुअली, एंड शिप के अंदर था फिश गुरु जिसने मुझे सुपर ट्रॉट दिया। सुपर ट्रॉट इतना अच्छा नहीं है बट हाँ चलेगा। एंड फिर फाइनली यहाँ का जिम भी लॉक था, तो मैं जिम अनलॉक करवाने से पहले यहाँ पर अपने एक पोकेमॉन को रिफाइन करने आ जाता हूँ। एंड फाइनली मेरा फोसल यहाँ से रिवाइव होने वाला था, डेमो फोसल, एंड इसको रिवाइव करके मैंने एक न्यू फोसल पोकेमॉन बना लिया था कबूटो। एंड फिर मैंने कबूटो को यहाँ से अलग जाम के साथ फिश कर दिया एंड एक न्यू पोकेमॉन बना दिया जिसके हाथों में दो चम्मच थे या एंड फिर मैं इस दोनों पोकेमॉन को भी एक साथ फिश कर दिया एंड इसे न्यू पोकेमॉन बना जो कि मुझे पसंद आया। एंड फिर मैंने इसको इवॉल्व करा दिया काबू का जाम को एंड फिर एक ऐसा पोकेमॉन बना जिसके हाथ में दो टाइगर्स थे, मतलब दो चाकू। ऑसम लग रहा है भाई ये हड्डी का चाकू। एंड फिर फाइनली मैं निकल पड़ा यहाँ पे जिम का के ढूंढने एंड फिर यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स मिले जिनको मैंने यहाँ से बीट करा एंड फिर मुझे यहाँ पर कुछ नोट्स मिले जिन पर लिखा हुआ था कि टीम रॉकेट ने कुछ एक पोकेमॉन को ढूंढा है एंड उनका उन्होंने सैंपल लिया एंड फिर उन्होंने एक न्यू पोकेमॉन क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने म्यूटो दिया है। तो फिर म्यूटो की स्टोरी थी जो कि तुम्हें पता ही होगा जिन्होंने पोकेमॉन म्यूटो की मूवी देखी है, ये कुछ यहाँ पर गेम के अंदर भी चल रहा था जीवो गरीब कांड। फिर मैंने जैसे तैसे यहाँ के बाकी सारे लौंडे को बीट करा एंड बीट करने के बाद मैं यहाँ पर उनके बाकी सारे बंदों को भी बीट करा, मतलब जो भी यहाँ पर लोग थे, मैं क्या बता रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा बट जो भी है। फाइनली उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने के को ढूंढने, ओके एंड यहाँ पर मैं इस बंदे को स्किप करता हूँ जैसे तैसे, मतलब पावरफुल नहीं था ये बट मुझे बोरिंग लग रहा था। फिर फाइनली मैं ब्रेन को ढूंढते एंड ब्रेन भी उसी बारे में बात कर रहा था, स्ट्रॉगर पोकेमॉन म्यूटो यहाँ पर बहुत टाइम पहले इसको बनाया जाता एंड वगैरह वगैरह वगैरह। एंड फिर फाइनली अपने जिम को ऑन करने चला जाता है एंड फिर भी मैं इसके पीछे पीछे चला आता हूँ जिम को चैलेंज करने। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, बस हमें यहाँ के मतलब यहाँ के जगह को जो था ना, अगर सही आंसर देना है जो कि क्वेश्चन पूछेगा तो पहले फ्यूजन चार्मेंडर एंड पोनीटा का पोजीशन कौन से लेवल में इवॉल्व होगा, तो मैंने बोल दिया 16 लेवल पे एंड फिर मैंने बाकी सारे आंसर को भी सही दिया बट मैंने फिर भी इन बंदों से बैटल ली ताकि मेरे पोकेमॉन्स को एक्सपीरियंस मिल सके। तो मैंने इन बंदों को बहुत इजी तरीके से हराया बिकॉज अपने पास बहुत ही ओवर पावर अटैक्स थे, तो सबको यहाँ से हमने बीट कराया एंड फिर मैं चला गया ब्लेम के पास। तो एक्चुअली इस बंदे के पास यहाँ ब्लेम, इसके पास भाई बहुत खतरनाक पोकेमॉन था। पहले पोकेमॉन तो भाई ग्लू डैश था जिसको मैंने एक शॉट ले बीट करा एंड फिर इसका सेकेंड पोकेमॉन था मेगाटॉन जिसको मैंने बीट करने की ट्राई की बट वो एक्चुअली में ओवर पावर्ड पोकेमॉन था। फिर वो पोकेमॉन स्विच करता है एंड आता है वो 9-9 को, मतलब आरके 9-9 डेज का था तो 9-9 ही नाम पड़ गया उसका। फिर मैं इसको जैसे तैसे इसको बीट करता हूँ एंड आफ्टर दैट उसका नेक्स्ट पोकेमॉन आता है जो कि उसका मेगाटॉन ही था जिसको मैं इजीली बीट करता हूँ। एंड फिर उसका आता है चार डेक्टाइल जो कि चार एयर डेक्टाइल का कॉम्बो था जिसने मेरे चारस को बीट कर देता है इजीली। एंड फिर मैं अपने कबू कजाम को भेजता हूँ, कबू कजाम जो कि अपने एंशियंट पावर से इसको बहुत अच्छा खासा डैमेज देता है एंड एक ही शॉट में इसको उड़ा डालता है। तो फाइनली इसके बाद ब्लेम बीट हो चुका था एंड अब मेरे पास जितने भी वंडर ट्रेड टिकट्स थे मैंने सोचा सबको ट्रेड करते हैं। एक्चुअली मेरे पास 7 प्रीमियम वंडर ट्रेड टिकट्स थे तो मैंने सबको यहाँ से ट्रेड करना शुरू कर दिया एंड मेरे पास जितने वेस्ट पोकेमॉन थे जिनको मैंने पहले फ्यूजन किया था एक्सपेशल ऑल लेने के लिए उन सबको मैं ट्रेड करता हूँ। एक्चुअली मुझे ज़्यादा अच्छे पोकेमॉन मिल नहीं रहे थे बट अचानक से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम पोकेमॉन मिलता है प्यूडीपाई, या इसका नाम किसने प्यूडीपाई रख दिया बट ये पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही ऑसम था तो मैंने सोचा इसको मैं अपनी टीम में रखूँगा एंड फिर मैं बाकी सारे पोकेमॉन को भी फ्यूज कर मतलब वो कर देता हूँ ट्रांसफर ट्रेडिंग हाँ। एंड आफ्टर दैट मैं अपने इन दोनों पोकेमॉन को अलग करता हूँ एंड मेगा क्वीन एंड इसको भी अलग कर देता हूँ एंड फिर मैं मेगा नियम एंड चार्जर्ड को मिला के एक मास्ट पोकेमॉन क्रिएट करता हूँ जो मतलब दिखने में तो भाई एंशियंट डायनासोर ड्रैगन की तरह लग रहा था जो मुझे बहुत ऑसम लगा जो कि फायर एंड ग्रास टाइप का था एंड इसके अटैक्स भी काफ़ी अच्छे खासे थे भाई देवे। एंड फिर फाइनली मैंने इन दोनों पोकेमॉन को भी एक साथ मिला दिया था बट देखो ये पोकेमॉन अच्छा बना था बट मुझे अब टीम में नहीं चाहिए तो मैंने इसको टीम से निकाला एंड फिर अपने विनर स्टोर्स को भी मैंने टीम से निकाल दिया था एंड फिर मैंने ये वाली टीम सेलेक्ट कर ली जिसको तुम अभी देख सकते हो। तो फिलहाल फाइनली मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे पता चलता है कि टीम रॉकेट इन लोगों का कुछ बोर्ड चुराना चाहती है बिकॉज वो चिमीबार आइलैंड में जाके माल्टेस को कैच करना चाहती है लेजेंडरी बर्ड को। तो भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है बिकॉज उन्होंने पहले ही बताया था वो तीनों लेजेंडरी बर्ड को कैच करके एक पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं एंड फिलहाल वो उस रास्ते में जा रहे हैं एंड फिर फाइनली ये साइंटिस्ट बोलते हैं उनको रोको बट एक्चुअली वो लेट हो चुकी थी उनको रोकने में एंड फिलहाल वो बोलते हैं मैं एक ट्रेनर हूँ तो मैं ही वहाँ पर चल जाके मतलब टीम रॉकेट को क्यों ना रोक लूँ। तो या फिर मुझे पास मिल जाता है चिमीबार आइलैंड में जाने का एंड जाने का रोड बिल्कुल अलग से था भाई, मतलब हर बार हम शिप से जाते हैं लेकिन इस बार हमें सर्फ करके जाना था उस आइलैंड में, भाई साहब कितनी मस्त चीज़ है। एंड फिर उसी बीच मेरा प्यूडीपाई अपने सेकंड स्टेज में इवॉल्व होता है
एंड फिर यहाँ पर कुछ और हम लोग पजल्स मिलते हैं जिनको सॉल्व करके फाइनली हम पहुँच जाते हैं रियल चिमीबार आइलैंड की ओर। एंड यहाँ पर फाइनली हम आ जाते हैं इस जगह में एंड फिर यहाँ पर हम मॉल्टेस को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पर आसपास कहीं पर होने वाला था। एंड इस गुफा के अंदर मॉल्टेस तो नहीं मिलता हमें, बट हमें कुछ टीम रॉकेट के मेम्बर्स मिलते हैं और इनको भाई साहब पूजा देना तो हमारा कर्तव्य था, तो मैंने इन सबको बहुत ही खतरनाक तरीके से हारा है। एंड उसी बीच मेरा पीडीपी और एक बार इवॉल्व हो गया, पता नहीं कैसे बट हो गया ये लौंडा। एंड फिर और कुछ पोकेमॉन्स यहाँ पर थे जिनको मतलब ट्रेनर्स टीम रॉकेट के थे यहाँ पर, जिनको मैंने बीट करा। एंड फिर मेरा पीडीपी और एक बार इवॉल्व हो गया अपने मेन फॉर्म फेरली गैटर में, मतलब ठीक है फेरली मिलियन जो भी इसका नाम है। एंड फिर अभी भाई मैं कुछ और लौंडा को बीट करने निकल पड़ा, बट उसी बीच मुझे दिखा नीचे की साइड कि टीम रॉकेट का बॉस यहाँ पर है जियोवानी, एंड ये लोग मॉल्टेस को कैच करने आ चुके हैं। एंड फिर फाइनली इनके पास जो मास्टर बोल थे उन्होंने बाकी तो मास्टर बोल से बाकी तो लेजेंडरी बर्ड को कैच कर लिया था, एंड अब वो मॉल्टेस को कैच करने आ रहे थे, तो हमको जल्दी जाकर उसको रोकना पड़ेगा ताकि वो लोग मॉल्टेस को कैच ना कर पाए। तो मैंने बाकी सारे बंदों को यहाँ से हराया है। उसी बीच वापस हमें और एक कटसीन दिखाई जाती है जिसके अंदर हमें दिखता है कि फाइनली इन्होंने मॉल्टेस को कैच कर लिया है एंड बाकी ये लोग बाकी दो लेजेंडरी बर्ड्स को भी बुलाते हैं जिन्होंने मतलब जिनको इन्होंने मास्टर बॉल से कैच किया था, तो फिर बाकी लोगों को बुलाते हैं। एंड फिर हमें दिखता है एक कटसीन में कि वो लोग उन दोनों को मतलब इन तीनों को एक साथ फिश कर रहे हैं। नीचे के साइड में ग्रीन छोटा सा एक लाइट दिखता है तुम देखना, और फिलहाल एक ओवरपावर्ड खतरनाक अविश्वसनीय कुछ बताया नहीं जा सकता ऐसा एक पोकेमॉन क्रिएट हो चुका है। और उसी बीच मेरा पीडीपी और एक बार इवॉल्व हो जाता है जो कि इसका फाइनल स्टेज था, मतलब 6 बार इवॉल्व हो चुका है ये लौंडा। भाई देखिए जो भी, फिर मैं आ जाता हूँ इन टीम रॉकेट के कुत्तों को हराने। एंड सबसे पहले भाई जियोवानी के पास वो पोकेमॉन आ चुका था एंड फिलहाल जियोवानी सोच रहा है कि इसके साथ वो किसी को भी हरा सकता है, पूरा का पूरा एलाइट फोर टीम उसको अभी बीट नहीं कर सकता इस पोकेमॉन के साथ। बट मैं तो हूँ ना यार, मैं किस काम के लिए हूँ, तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो, मैं इसको पेलता हूँ मतलब हाँ पीटता हूँ। तो फिर भाई इसकी और हमारी बैटल यहाँ से शुरू हो गई एंड इसके फर्स्ट पोकेमॉन जो यहाँ पर था, इसके फर्स्ट पोकेमॉन था यही तीनों ज़ैपमोकूनो, चूँकि ज़ैपमोकूनो ए, ज़ैपमोकूनो एम, ज़ैपमोकूनो सेट के फॉर्म में था, तो ए मतलब आर्टिकूनो, एम अल्टेट मोल्टस एंड जेड मतलब ज़ैपडोस। तो भाई क्या था पता है, एक ही पोकेमॉन है लेकिन इसके तीन तीन लाइफ है यहाँ पर, मतलब लाइफ बार, एंड साथ ही साथ मैं एक अटैक करूँगा वो तीन अटैक करेंगे एक साथ, इतना खतरनाक बैटल। तुम सोच रहे हो मेरी पूरी टीम को खा सकता है, बट मैं जस्ट से उनके ज़ैपडोस को डैमेज देता हूँ एंड फिर मेरा ये पेड़ जाता है फर्स्ट पोकेमॉन। एंड फिर मैं बुलाता हूँ अपने सेकेंड पोकेमॉन पीडीपी के, मैं सोचता हूँ वो तो कुछ कर पाएगा लेकिन एक्चुअली में मेरा ये पोकेमॉन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, बस इसको थोड़ा डैमेज देता है एंड फिर पेड़ जाता है। तो फिर भाई अपन लोग अपने और एक पोकेमॉन को बुलाते हैं, मैं सोचता हूँ बस चार्ली को भेजते हैं, चार्ली कुछ तो कर सकता है ना, चार्ली घोष टाइप है, तो मैं सोचता चलो चार्ली का आउटरीच करवाते हैं। चार्ली आउटरीच से इस आर्टिकूनो वाले फॉर्म को हरा देता है एंड फिर अभी बस दो फॉर्म भागे थे, ज़ैपमोकूनो का मॉल्टस फॉर्म एंड उसका ज़ैपडोस का लाइफ फोर्स। तो बस इन दोनों को हराने के लिए अपन ने भेजा अपने काबू कज़ाम को एंड मॉल्टस के ऊपर करवा दिया इससे एंशिएंट पावर, जिससे कि उसका काफ़ी अच्छा एचपी गया, बट फिर मेरा काबू कज़ाम भी पिट चुका था, मतलब काफ़ी लो एचपी पे आ चुका था। बट जैसे जैसे मैंने इस मॉल्टस वाले फॉर्म को हरा डाला एंड फिर बस उसका ज़ैपडोस वाला फॉर्म बाकी था एंड मेरे पास भी अपने दो पोकेमॉन बाकी थे, तो मैंने अपने फैन को भेजा एंड एक्चुअली फैन फ्लाइंग एंड इलेक्ट्रिक टाइप का है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक तो भाई ज़्यादा लगेंगे लगेंगे, बट मैंने जैसे जैसे ज़ैपडोस को थोड़ा लो करा एंड फिर और एक से अटैक से इसको पूरा लो कर डाला एंड फाइनली उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक पोकेमॉन बाकी था जो कि था अपना प्राइम चैन। तो प्राइम पे चैन जो था हिटमॉन चैन कंबाइन, जैसे जैसे उसने हरा लिया इस पोकेमॉन को एंड फिर जो ने बोलता है क्या तुमने सच में ये कर डाला, मेरे इतने ताकतवर पोकेमॉन को एक बच्चे ने हरा डाला, एंड फिर ये पोकेमॉन बेकाबू हो जाता है एंड तीनों पोकेमॉन अलग अलग होकर निकल पड़ते हैं यहाँ से। एंड फिर जो ने बोलता है कुछ नहीं हो सकता भाई निकलते यहाँ से, एंड फिर ये जीवन बोलता है मेरा कोई पीछा मत करना, मैं जा रहा हूँ अभी टीम रॉकेट को छोड़ के जल्दी से, बिकॉज अब उसको पता नहीं क्या करना था, तो वो निकल गया यहाँ से। एंड उसके बाद फाइनली ये लोग भी यहाँ से निकल लिए एंड फिर मॉल्टस हमारे आंखों में दिख रहा था कि आ जा बैल मुझे मार, मतलब आ एलेक्स मुझे कैच कर, तो या इसे कैच करना तो बनता ही था, तो मैं निकल पड़ा मॉल्टस को कैच करने एंड मेरे पास कोई मास्टर बॉल नहीं था एंड दो तीन अल्ट्रा बॉल, मतलब दो तीन नहीं कुछ अल्ट्रा बॉल मैंने खरीद लिए थे पहले ही, बिकॉज मुझे लगा था कुछ ऐसा होने वाला है। तो फिर मैंने भाई इस मॉल्टस को काफ़ी अच्छी तरीके से धोया एंड फिर कुछ अल्ट्रा बॉल की बारिश शुरू कर दी इसके ऊपर एंड जैसे जैसे लास्ट ऑफ दी मेरे अल्ट्रा बॉल में आ ही नहीं रहा था बट एक अल्ट्रा बॉल में ये फाइनली आ गया एंड मैं खुश था। एंड फिर मैं बाहर जाती मुझे पता चला कि ये लोग भाई साहब ब्लू को लेके आए थे, मतलब सॉरी गैरी को लेके आए थे मेरी हेल्प करने के लिए, बट हमने ऑलरेडी काम कर दिया था। एंड फिर ये लोग खुश होके हमें आइस पाथ की चाबी देते हैं, मतलब आइस पीक एंड मुझे पावर प्लांट की देते हैं, जैसे मैं पावर प्लांट एंड आइस की में जाके बाकी तो लेजेंडरी बर्ड्स को कैच कर सकता हूँ
तो अब क्या था भाई, मैं निकल पाता हूँ फिलहाल साहब जो उसको कैच करने, एंड यहाँ पर भाई साहब मैं अंदर जाता हूँ। बट तुम्हें लग रहा होगा बहुत इजी चीज़ है, नहीं भाई, कई बार तो यहाँ पर बैटरी नहीं थी, मतलब बैरियर लगा हुआ था और मुझे बैटरी डालनी पड़ी, एंड इस बेकार से चीज़ को पूरा चार्ज कराना पड़ा, एंड बैटरी मुझे हर अलग अलग जगह से जाकर ढूंढनी पड़ी, तो भाई बहुत मेहनत लगी। बट फिर मैंने जैसे तैसे अपना काम कंप्लीट करा एंड मैं निकल पड़ा ज़ैप्डोस को पकड़ दे, तो यहाँ पर ज़ैप्डोस फाइनली मेरे को मिल चुका था। तो मैंने इसको काउंटर किया एंड जल्दी से अपने अल्ट्रा बॉल्स से उसको जैसे तैसे बहुत सारे हिट के अंदर पकड़ लिया, एंड उसके बाद मैं निकल पड़ा आर्टिकोनो को पकड़ने। एंड इस बार मैं आइक स्पीक के अंदर जा सकता था तो उसके ऊपर किया, एंड फिर मैंने अपने आर्टिकोनो को फाइंड किया, एंड फिर मैंने इस आर्टिकोनो को भी अल्ट्रा बॉल से जैसे तैसे कैच किया, एंड फिर मैंने फाइनली आर्टिकोनो एंड अपने इलेक्ट्रिक टाइप बर्ड को एक साथ स्विच कर दिया जिसका नाम ज़ैप्डोस था, एंड एक न्यू पोकेमॉन बन चुका था ज़ैपकूनो। फिर मैंने इसको रिवर्स किया एंड उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा मस्त फॉर्म में आ चुका था आर्टिडोस, जो कि ऑसम था। एंड फिर मैंने अपने टीम से इस पंछी को निकाला एंड इस नए पंछी को भर दिया, एंड फिर मैंने इस दो पोकेमॉन को मिला के एक मस्त फ्यूजन बनाया जिसको मैंने पीसी में पढ़ने रख दिया भाई पीसी में। एंड फिर फाइनली मैंने अपने पीडीपाई को भी रिवर्स कर दिया था जिसके खातिर ये पीडीपाई का न्यू फॉर्म बन चुका था जो कि अच्छा ही था थोड़ा बहुत। एंड फिर ये मेरा अभी का टीम था जो कि तुम देख सकते हो मेरा फाइनल टीम। एंड अब मैं आ गया 8 जिम लीडर को हराने, जो कि फोर्थ अपना जियोवानी था, तो इसने काफ़ी सारे चमचे बिठा के रखे थे जिनको मैंने बहुत ईजी तरीके से बीट कर डाला, कुछ तो काफ़ी अजीब थे बट कुछ ऐसे तैसे थे, तो मैंने इनको बीट करके चला गया इनके लीडर जियोवानी को बीट करने। एंड एक्चुअली में उसके पास स्ट्रॉन्गर पोकेमॉन थे, फिलहाल 5 पोकेमॉन था भाई उसके पास। सबसे पहला उसका पोकेमॉन था राइपेरस जो कि ऑफकोर्सली पावरफुल था, बट मेरे पोकेमॉन के गेंस इतना ज़्यादा नहीं, तो मैंने तुरंत अपने पोकेमॉन को बदलाने से एक ही शॉट के अंदर बीट करा। एंड फिर उसका सेकंड पोकेमॉन आता है ग्लाइटार, मतलब हाँ टाइटर ग्लाइगर का कॉम्बिनेशन, बट वो पावरफुल था जिसने मेरे प्राइमर को उड़ा डाला, बट मैं नेक्स्ट पोकेमॉन ने उसे बहुत इजी तरीके से डिफीट कर ही डाला, मतलब वो पावरफुल था बट एक्चुअली मेरी पोकेमॉन ओवरपावर्ड है, तो उसके दो पोकेमॉन डिफीट हुआ। एंड फिर उसका थर्ड पोकेमॉन आता है जिसके गेंस मेरा आर्टिडोस टेक नहीं पाता, एक्चुअली ओपोनेंट का पोकेमॉन इस बार पावरफुल था। तो फिर मेरा आता है भाई पीडीपाई जो कि अपने आइस फंग से इसे थोड़ा डैमेज देता है, एंड फिर ये भी यार कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता एंड ये भी पिट जाता है यहाँ से। एंड आफ्टर दैट पोकेमॉन अपना फुल हील कर लेता है, फिर ये भी पिट जाता है। एंड फिर फाइनली अपना मेन पोकेमॉन आता है चार्निअम जो कि एक शॉट के अंदर से फिनिश आउट करता है। एंड फिर उसका आता है राइलैक्स जो कि वन शॉट भी जाता है। एंड फिर उसका लास्ट पोकेमॉन आता है जो कि एक्चुअली पावरफुल था, बट ये पोकेमॉन के अटैक से मेरा पोकेमॉन कन्फ्यूज हो गया था, बट लास्ट ऑफ द टाइम मेरा चार्निअम इसको एक शॉट से ही उड़ा डालने का मतलब कोशिश करता है बट हो नहीं पाता। एंड फिर ये पिटता है। एंड फिर मेरा डेगर हाथ में पकड़ा हुआ कबूकाज़ाम इसको फिनिश आउट करता है अपने सर्फ अटैक से। एंड फाइनली ये पोकेमॉन उड़ चुका था एंड हम लोगों को भाई जियोवानी मतलब हमने जियोवानी को हरा दिया था। तो फाइनली जियोवानी को हराने के बाद हमें अर्थ बैज मिलता है। एंड फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने सफर में पोकेमॉन लीग को बीट करने के लिए, बट उसी रास्ते में मुझे काफ़ी सारे ट्रेनर्स मिलता है जो कि खतरनाक पोकेमॉन्स को ला रहे थे, बट मैंने इन सबको हराया। एंड आफ्टर दैट मुझे कुछ खतरनाक पोकेमॉन दिखा जो कि चारी मतलब स्कारमोर एंड चार्जार्ड का कॉम्बिनेशन था। एंड फिर मुझे यहाँ पर एक लेजेंडरी पोकेमॉन दिख गया जिसका नाम लेजेंडरी बीस्ट एंटाई है, तो या मुझे पसंद है वो पोकेमॉन, तो मैंने उसको तुरंत ही कैच करा। एंड फिर उसको कैच करने के बाद मैंने उसको मोल्टस के साथ मिला के एक न्यू पोकेमॉन फ्यूजन को क्रिएट कर डाला। एंड फिर मैं भाई साहब इस पोकेमॉन को बॉक्स में पढ़ने दिया बिकॉज इसको मैंने टीम में नहीं रखा। एंड आफ्टर दैट मैं निकल पड़ा अपने इलाइट फोर को चैलेंज करने। तो फर्स्ट इलाइट फोर का नाम था लॉरेली एंड मैं बताइए एक आइस टाइप मास्टर है, बट इसके पोकेमॉन इस बार फ्यूजन होने वाले तो काफ़ी दिक्कत करने वाले वो। तो फर्स्ट पोकेमॉन उसका था मेगा मोंग, जो भी नाम मेगा गोंग, हाँ तो ड्यूगोंग एंड मेगा उसका नाम जो था वो मिल चुका था। बट जैसे जैसे मैंने इसके फर्स्ट पोकेमॉन को बीट करा एंड फिर उसका भाई सेकंड पोकेमॉन यहाँ से आया एंड ये भाई साहब मस्त दिख रहा था, बट मैंने इसको एक ही शॉट के अंदर बीट करा। एंड फिर उसका थर्ड पोकेमॉन आया जो कि एक्चुअली अच्छा था एंड मैंने इसको जैसे तैसे बीट तो करना चाहा, बट फिर ये अपने आप को हील कर लेता है। एंड उसके बाद बर्न लगने के बाद तो यार ये काही टिकने वाला था, मैं इसे हरा डाला। एंड इसका तीन पोकेमॉन हारने के बाद इसका चौथा पोकेमॉन आता है एंड मैं इस पोकेमॉन के सामने कोई रिस्क नहीं लेता, इसको एक ही शॉट से बीट करता हूँ। एंड फिर उसका फिफ्थ पोकेमॉन जो कि इसका लास्ट पोकेमॉन था एंड इसको मैं एक शॉट से ही बीट कर डालता। तो फर्स्ट इलाइट फोर बिना किसी दिक्कत के एक ही पोकेमॉन से बीट हो चुकी थी। एंड अब आया था सेकंड इलाइट फोर ब्रूनो की तरफ बढ़ने का, तो ब्रूनो के पास तुम्हें पता है खतरनाक रॉक टाइप पोकेमॉन होते हैं एंड साथ में फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स भी होते हैं उसके पास। तो फिर इसका फर्स्ट पोकेमॉन था ये इलेक्ट्रोवायर एंड मचाम का कॉम्बो जिसको हमने एक अर्थक्वेक से एक ही शॉट के अंदर लो कर दिया था, बट हरा नहीं पाया एंड इसने पैरालाइज भी लगा दिया था अपन को। बट एंड ऑफ द टाइम हम लोग ये पावरफुल निकलते हैं एंड इसे हम लोग अपने अर्थक्वेक के साथ ही साथ
लो करता है। वैसे हर हार नहीं रहा था बतानी, बट लास्ट ऑफ द टाइम ये वन शॉट की तरीके से लो होता है, मतलब हर बार सेम चीज़ कर रहा था, बट इस बार मैंने इसको हरा डाला। एंड फिर इसका और एक पोकन आता है, मैं भी अपने पीडीपाई को लाता हूँ एंड इसका ये हड्डी पहलवान को मैं एक ही शॉट के अंदर लो करता हूँ एंड फिर दूसरे शॉट के अंदर इसे उड़ा डालता हूँ। तो या इसका हड्डी पहलवान उड़ जाता है एंड फिर इसका आता है स्टील चैम, जिसको मैं एक शॉट से बहुत अच्छा डैमेज देता हूँ। फिर ये मेरे पीडीपाई को लो करता है एंड उसके बाद ये अपना पोकन बदल लेता है एंड मेरा हेल्थ लग जाता है और मेरा पीडीपाई पिट जाता है। तो फाइनली उसके बाद मेरा पोकन चार्ली आता है एंड मैंने पता नहीं चार्ली को यहाँ पर क्यों लाया था, जो कि ज़्यादा काम का था नहीं पोकेमॉन, बट चार्ली अपने आउटरेज से इस पोकेमॉन को लो कर दिया था एंड फिर जैसे तैसे चार्ली इस पोकन को कवर अप कर ही रहा था कि चार्ली कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड लास्ट ऑफ द चार्ली अपना फैंटम फोर्स के अंदर मतलब कर नहीं पा रहा था एंड एक्स से लो होने के बाद फाइनली अपना एक्स मतलब एट क्विक से बीट करा एंड फिर उसका नेक्स्ट पोकेमॉन आया जो कि स्टील चैम था, जिसको मेरे प्राइम चैम ने उड़ा डाला एंड फिर उसका लास्ट पोकेमॉन आया जो कि ऑफकोर्स एक मेगा ऑनिक्स था, मतलब अजीबोगरीब पोकेमॉन, बट मैंने इसको जैसे जैसे बीट करा एंड फिर भाई ब्रूनो बीट हो चुका था एंड अभी हमें आगे बढ़ना था अघथा के पास। तो अघथा तुम्हें पता है घोस्ट टाइप यूजर है बट इसके पास पोइजन टाइप पोकेमॉन भी काफ़ी खतरनाक रहता है, आई गेस वो पोइजन टाइप यूजर है मुझे आज तक पता नहीं चला, ऑफकोर्स वो घोस्ट टाइप थी, हाँ घोस्ट टाइप। तो उसका फर्स्ट पोकेमॉन था पर मिस्टर वर्स एंड सॉरी मिस वर्ड से जो भी उसका नाम है एंड उसके साथ साथ उसका अपना क्रोबैट के साथ मिलाया हुआ पोकेमॉन, तो मैं इसको वन शॉट डिफीट करता हूँ एंड फिर उसका सेकंड पोकेमॉन आता है जिसको मैं सोचता हूँ भाई फैंटम फोर्स मारते हैं, एक ही फैंटम फोर्स के अंदर वो बीट होता है बट वो डिस्टिनी बंद करता है जिसके कारण मेरा चार्ली भी खत्म होता है एंड फिर फाइनली अपना कबूकजाम आता है एंड उसके अम्बिटर हंटर एंड अम्ब्रियन के कॉम्बो भाई बहुत अजीब दिख रहा था, बट मेरा आर्टीडोस उसको जैसे तैसे अपने अटैक से लो कर डालता है, लाइक इतना इफेक्टिव नहीं था उसका अटैक, मतलब अपना अटैक एंड फिर जैसे जैसे मैं इसको पैरालाइज करके अपने अटैकों से लो करता हूँ एंड वो मेरा आर्टीडोस को लो करता है, बट जैसे जैसे मैं इसको हरा डालता हूँ तो अपनी हालत भी पतली हो चुकी थी बट अपने पास ज़्यादातर पोकेमॉन अभी बाकी थे एंड फिर उसका आता है एक वॉवफेट एंड गैंगार का पोकेमॉन एंड उसने डिस्टिनी बॉन्ड कर दिया था, बट एक्चुअली मेरा पोकेमॉन इतना पावरफुल नहीं था उसके गेम्स, तो उसने बहुत इजी तरीके से मेरे पोकेमॉन को बीट कर डाला एंड फिर मैं प्राइम चैन आके उसे उसकी औकात दिखाता है एंड फिर उसका नेक्स्ट पोकेमॉन आता है जो कि था ये स्नॉरलैक्स एंड गैंगार का अटैक, मतलब नॉर्मल एंड वो टाइप का था उसका पोकेमॉन, नॉर्मल एंड घोस्ट टाइप, तो मैं फाइटिंग टाइप मूवीज के ऊपर यूज़ नहीं कर सकता, अजीब पोकेमॉन है वैसे, बट जैसे जैसे फिर मैंने उसको हरा डाला यहाँ से एंड आफ्टर डैट अघथा हार चुकी थी एंड अब बाकी था बस एलाइट फोर का लेंस एंड लेंस एक ड्रैगन टाइप टीमर है तुम्हें पता है एंड उसके पोकेमॉन भी बहुत पावरफुल होता है, तो उसके पास चार्जार्ड होने का भी चांस है या मेगा चार्जार्ड होने का भी चांस है, बट उसका फर्स्ट पोकेमॉन था ड्रैगकोर्ड्स, पता नहीं भाई अजीब पोकेमॉन था, बट मैं इसे एक शॉट लड़ा देता हूँ एंड फिर उसका नेक्स्ट पोकेमॉन आता है जो कि पावरफुल था बट ये मेरे पोकेमॉन की एल लगा देता है। देखो मैं इसे बीट तो कर सकता था बट फिर ये फुल रिस्टोर करता है एंड फिर मैं इसे और ज़्यादा डैमेज देता हूँ एंड आफ्टर डैट ये फुल रिस्टोर करता ही जाता है करते, मतलब दिमाग ख़राब यहाँ पर होता है मेरा एंड फिर मैं अपने और एक अटैक देता हूँ ब्लीजर्ड, बट उसके पहले वो आउट से उड़ा डालता है मैं एंड फिर मेरा यहाँ से जाता है खतरनाक पोकेमॉन अपना कबूकजाम, जिसके पास एंशिएंट पावर था, वो ऑफकोर्स ओपोनेंट फेरी टाइप या फ्लाइंग टाइप में से एक हो गई, तो मैं अपने अटैक से इसको हरा सकता हूँ बट मैं इसे हरा भी डालता हूँ एंड फिर मेरा प्राइम चैन आया उसका आता है टाइगर डेक्टाइल जो कि एक ही ब्रेव कट करके प्राइम चैन को उड़ा डालता है एंड फिर आता है अपना प्यासा कबूकजाम जिसको भी उड़ा डालता है एंड फिर मैं लाता हूँ अपने प्यासे प्यूडीपाई को, तो प्यूडीपाई भी पिट जाता है यहाँ से वन शॉटली एंड फिर मेरा जैसे जैसे ये पोकेमॉन इसके अटैक को सर्वाइव करके चार्ली उसे हरा डालता है, तो चार्ली को इसको बीट करने के बाद उसका नेक्स्ट पोकेमॉन आता है एंड चार्ली इसे भी वन शॉट करता है, एक्चुअली चार्ली ओवरपावर्ड बाय द वे एंड फिर मेरा आता है चार्नियम जो कि इसके स्पाइरो ड्राको अपने एक अटैक से बहुत लो करता है, बट एक्चुअली में ये अटैक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था इसके गेंस, तो उसको ज़्यादातर लो ही कर पाता है, वन शॉटली बीट नहीं कर पाता एंड फिर मेरा चार नियम अपने कन्फ्यूजन के कारण खुद बैठता है, लाइक ये पोकेमॉन पूरे गेम में जितनी बार भी कन्फ्यूज रहना है एक बार भी अटैक कर ही नहीं पाया, बहुत मन उस पोकेमॉन है, बट जैसे जैसे मेरा चार्ली इसको हराता है एंड फिर लेंस फाइनली हार जाता है। अब बारी था बस यहाँ के चैंपियन जो कि बंदा है मतलब अपना दोस्त कैरी का, तो भाई इसको बीट करना काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं था हमारे लिए बिकॉज वो बहुत ओवर पावर ट्रेनर है, अफकोर्स ही मेरा राइवल है तो पावरफुल हो गए, तो उसको फर्स्ट पोकेमॉन आया नीडो जो भी उसका नाम है, हाँ नीडो जियोट जिसको मैंने वन शॉटली बीट करा एंड फिर उसका नेक्स्ट पोकेमॉन आता है एंड ये था भाई इसका खतरनाक पोकेमॉन, तो मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड फिर वैसे उतना और एक अटैक करना ख़त्म कर डालूंगा बट पता नहीं कैसे बच जाता है एंड उसके बाद अपना पोकेमॉन पिट जाता है, तो फिर भाई अपन का चार्नियम आता है एंड वो फुल रिस्टोर कर डालता है एंड फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा डैमेज देता हूँ बट मेरा अर्थक्विक इतना पावरफुल नहीं था एंड फिर मैं सोचता हूँ क्या ही करें, फिर से अर्थक्विक मारते हैं अपन, बट
काम नहीं बनता है। फिर मेरा चार्ज नियम लो होता है एंड उसके बाद मैं अपना स्क्रीन चोर भी इसके ऊपर चलाता हूँ। मैंने सोचा था थोड़ा एच पी का ही बिगड़ेगा एंड आफ्टर मुझे गुस्सा आता है। मैं सोचता हूँ चल भाई पोको नहीं बदलते हैं, मैं अपने पी डी बाई को लाता हूँ। पी डी बाई को वह काफ़ी अच्छा डैमेज दे देता है ड्रिलजन से, बट उसके बाद एक ही शॉट के अंदर पी डी बाई इसका काम खत्म कर देता है। तो फाइनल इसका दूसरा पोको बीट हो चुका था एंड फिर इसका थर्ड पोको आता है जो कि इलेक्ट्रिक डोस था। एक्चुअली अजीब वाली पोकेमॉन, तो मैं इसको ब्लीजर से डैमेज देता हूँ, बट वाई आई डोंट नो इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। तो या ये शायद से वाटर टाइप में था। तो उसके बाद मैं सोचता चलो कोई बात नहीं, इसको हरा तो नहीं सकते एंड इलेक्ट्रिक टाइप अटैक भी इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं आने वाला था। तो फिर मैंने तुरंत अपने पोकेमॉन को बदला पीडीपाई को एंड पीडीपाई को भी इसने पीट डाला एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ से अपने चार्नियम को भेजा। तो वो चार्नियम पावरफुल था लेकिन उसका पैटल डांस उससे भी ज़्यादा पावरफुल था। एक ही शॉट के अंदर इस पोकेमॉन को बीट कर डालता है चार्नियम एंड आफ्टर दैट उसका टोरोस आता है जो कि पता नहीं 3 सर वाला टोरोस था, इसको अपन बहुत अच्छा डैमेज देते हैं एंड फिर गया अपने चार्नियम को उड़ा डालता है। तो अब बस अपने पास 2 पोकेमॉन बाकी थे। मैं सोचता हूँ चार्ली के बजू या कबू को राम को भेजूँ, फिर मैं चार्ली को भेजता हूँ एंड चार्ली के पास खतरनाक अटैक था जिसका नाम था अर्थक्वेक, जिसने एक ही शॉट के अंदर टोरोस को हरा डाला था। एंड फिर मैं अपने कबू को राम को भेजता हूँ एंड उसका एक खतरनाक ब्लास्ट शॉट आता है। ये पोकेमॉन भाई देखने में और भी खतरनाक था मेरे विनर्स चॉइस से भी ज़्यादा। मतलब ये विनर्स चॉइस बना सकता था बट इसने ब्लास्टर शॉट बनाया जो कि ऑसम पोकेमॉन था भाई के लिए। एंड फिर फाइनली मैं अपने चार्ली को लाता हूँ बिकॉज वही मेरा लास्ट होप था एंड मेरे एक ही पोकेमॉन बाकी था एंड उसका सारा मतलब 2 पोकेमॉन बाकी था। एंड फिर मैं फैंटम फोर्स मार रहा था बट उसी बीच उसने अपना चार्ज कर लिया था सोलर बीम एंड एक ही शॉट के ने मेरे को लो कर डाला। अब एक क्रिटिकल सिचुएशन था, मैं इसको हराऊँ या खुद हार जाऊँ। तो मैंने उसको जैसे जैसे इसके एक पोकेमॉन को बीट किया एंड मैं भाई भगवान से प्रे कर रहा था उसका लास्ट पोकेमॉन अच्छा है एंड फिर लिटरली अच्छा पोकेमॉन आया एंड मैंने उसको एक ही शॉट के अंदर बीट कर डाला एंड फाइनली मैंने क्या ही को हरा डाला। तो नो बकवास, मैं डायरेक्टली बन चुका था यहाँ पर चैंपियन इस रीजन का। तो या मैं इस गेम का चैंपियन बन चुका हूँ। बाय द वे गाइस, जैसी वीडियो मेरे चैनल पर भर्ती पड़ी है तो हम जाके देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस है ऐसी मेरे चैनल के ऊपर, चेकआउट कर लेना। तो मैं स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी 100 आवर की प्ले लिस्ट, उसमें भी काफ़ी ऐसी वीडियोज मिल जाएगी तुम्हें। तो सब्सक्राइब करना चैनल को। लेट्स बाय गाइस, मीट यू अगेन।